जेबा नाज जो है वो मेरे ख्याल से मोमिना होंगी। जी जेबा नाज, आवाज आ रही है? अभी सलमान जेबा रश्दी नाज, के साथ क्या हुआ? अभी सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ पता है ना? मोमिनों ने उसको मारा एक स्टेज पे चढ़ के इस तरीके नहीं से कि वो पकड़े जाएंगे और मारा भी जाएगा, फिर भी उसने उसको मारा। आप भी हमें ऐसे ही मरवाना चाहती हैं? नहीं, बोलने तो दो एडम उनको, ये मतलब उन्होंने पूछा सलमान क्या हुआ, रुश्दी मैं से वही उन्हें, पूछ रहा हूँ, हाँ मैं तो बता रहा क्या 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 हुआ। करना है उससे? ये जी पूछ रहा हूँ, जेबा जी, तुम लोगों की ना उससे बुरी हालत होगी, उससे भी बुरी बुरी हालत हालत मतलब होगी। साले साले मतलब कैसे? चाकू मार साले के? साले 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 के साले से शुरू हुआ, साले से। जी, किसके साले हम? कुत्तों के। कुत्तों के मोहम्मद के नहीं, अरे यही तो तुम्हारा बताता है साले इस्लाम, कि सुअर तुम्हारा को। इस्लाम में कितना यार कितना अमन है ना, मुन्ना यही तो भाई, बताता है तुम्हारे इस्लाम में अरे कितना अमन है। अरे भाई रुके, मुन्ना बिल्कुल भाई अमन नहीं साहब, है, मुन्ना भाई, मुन्ना दीदी भाई है, अमन नहीं दीदी है, हमारी दीदी है, हमारी दीदी है, हमारी बिल्कुल बोलने दे जी। बिल्कुल बिल्कुल अमन नहीं है, और हमें अच्छा दीदी, इस्लाम हमें में बहुत हमें हमें इज्जत है। हमें पकड़े अमन कैसे? नहीं है आप साले, दीदी बाकियों को देखो, ईसाई को देखो, हिंदू को देखो, साले कुत्ते की मौत मरते हैं, मरते और तो कौन मारेगा कौन? जो कायर होते हैं वो कुत्तों की मौत ही मरते हैं, और हम ब्रेव हैं और इसीलिए हम जीतते हैं और हमेशा ब्रेव है। अच्छा जेबा दीदी, जेबा दीदी, अगर अब आप कायर नहीं है, अरे जेबा दीदी बात तो सुनो, अगर आप कायर नहीं है तो अपना वीडियो नहीं, कैमरा, तुम तो कुत्ते को मौत मरोगे। अरे हम मरेंगे ठीक है, लेकिन आप जो है वो कायर नहीं है तो वीडियो अपना ऑन कर सकती, थोड़ा बहादुरी बता सकती आप? ना मैडम, वो तुम नहीं, ना मैडम, ना मैडम वो तुम, ना मैडम वो तुम। अच्छा दीदी बात सुने, हमें हमें पकड़ के कैसे मारेंगी? उसको तो स्टेज पे मारा था चाकू से, पॉकेट नाइफ से, हमें आप कैसे मारेंगी? चाकू से ही मारूंगी गले पे, और क्या, चाकू से गले में मारेंगी, आंख पे मारेगी, कहाँ एक मारेगी? बार मिल जाओ एक। अच्छा लेकिन गले अगर अगर मारूंगी। अगर उससे पहले मैंने आपको मारा तो? साले सुअर, अरे हम गोली मारेंगे, गोली गोली मारेंगे, डायरेक्ट नहीं, गोली। नहीं नहीं मुन्ना भाई नहीं, मैंने गोली नहीं मारनी, नहीं मैंने नहीं, जो मोहम्मद ने किया था मैं वही करूंगा, मलकल यमीन बना के मारूंगा वो वाला। जी जी जेबा जी, अच्छा मैं अगर मैंने पूछना आपको चाहता पकड़ हूं। लिया और मैंने आपको मलकल यमीन बना लिया और सुबह शाम दो दफा मारा आपका साले, रोज साले, साले तेरा काट डालूंगी मैं, कैसे टायर हूं, मुंह में डालूंगा तो काटोगी ना, मैं कहीं और डाल रहा हूँ, वहां पे कैसे काटोगी? अरे ऐसे नहीं, ऐसे साले, नहीं मैडम, ऐसे नहीं साले, बताइए आती है मुझे चाकू से। दीदी दीदी लेकिन मैंने तो हाथ बांधे होंगे मोहम्मद साहब की तरह, जिस तरह वो मोहम्मद ने जब वो अंधे को दी थी एक मलकल यमीन, तो अंधे ने उसको बांध के रखा हुआ था ना। जिस दिन मिल जाओगे ना, ना कभी हम हारते हैं ना हारेंगे, मैं जब दीदी तक वही तो आखिरी पूछ रहा सांस चलेगी ना तब तक ताक में रहेंगे। जी 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 जी, वो जब जैसे अंधे को 50 साल तक दी चुप के रहोगे ना तब तक ताक में रहेंगे हम। अच्छा तब दीदी, तक हमारी एक सांस चलेगी दीदी, तब तक दीदी 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 दीदी, अरे भाई दीदी, साहिल भाई एक मिनट, साहिल भाई प्लीज एक मिनट, साहिल भाई एक मिनट, पहले हाँ। ये पेशाब पीने वाली मोमिना को पूछो, मोहम्मद का नूरानी पेशाब पीने वाली मोमिना को पूछो, ये इंडिया से है कि पाकिस्तान से? ये कहाँ से है, से ये कौन से देश से भाई, किधर से है दीदी आप? जेबा दीदी, अबे साले तुम्हारे, तुम तो अपने, तुम दोनों ने अपनी शक्ल दिखा दी है और मुंबई से हो, हमें पता है सलमान रश्दी ने हम तक शक्ल कब दिखाया था, 34 साल बाद हमने मारा तुम्हारे। अरे हमने अभी, अरे हमने अभी बताइए, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमारा एड्रेस सही है, एड्रेस भी बता दो। हम 1000 साल इंतजार कर सकते हैं, 1000 साल, अरे 1000 साल जिंदा जीने वाले नहीं हो, हड्डियों को मारोगे जाके। अरे लेकिन दीदी भी तो जिंदा नहीं रहेगी 1000 साल तक, तो हमारे बच्चे रहेंगे ना, उनके बच्चे रहेंगे ना, उनके बच्चे रहेंगे ना। अच्छा दीदी 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 दीदी, आपकी शादी हो गई दीदी? नहीं दीदी, आप कितने साल की है आप दीदी? 24। 24 साल की शादी नहीं हुई? रसूलुल्लाह 6 साल की बच्ची के साथ शादी कर रहे हैं आप? हाँ एजुकेटेड है तो आपने शादी की, सुन्नत पे अमल नहीं किया, आयशा की सुन्नत पे अमल नहीं किया? बिल्कुल करूंगी, वो तो 9 साल की उम्र में करनी चाहिए थी ना। सबकी अपनी मर्जी है, ये कोई लिखी हुई बात नहीं है कि करना ही करना है। अरे तो है ना, ऑप्शन तो दिया है ना, और हमारे लड़कियों के लिए ये सुन्नत नहीं होती ना।
क्या मतलब कैसे सुन्नत नहीं होती? सुन्नत तो अल्लाह की भी होती है, अल्लाह भी कहता है सुन्नत, अल्लाह भी सुन्नत खुसूरत पे अमल करता है, पता नहीं आपको? लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए 9 साल सुन्नत नहीं है ना। अच्छा दीदी, दीदी एक बात बताओ, कंपलसरी नहीं आप, है ना? अच्छा दीदी एक बात बताओ, मोहम्मद साहब ने बुढ़ापे में 55 साल में जो 6 साल की बच्ची से या 9 साल की बच्ची से शादी करके उनके साथ हमबिस्तरी की, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आता दीदी? मुझे नजर आता हो या ना आता हो वो अलग बात है, पहले जमाने की बात है। यानी यानी आपको नजर आता है, यानी आपको नजर आता है? नहीं नहीं नहीं, कोई अगर करना चाहता है तो बिल्कुल करे, मैं नहीं करूंगी। आप उसको थूकोगे नहीं? यानी आपके बगल में कोई बूढ़ा जो है 55 साल का बूढ़ा, वो 6 साल की बच्ची के साथ शादी करके आया, तो आप उसको थूकोगे नहीं? ईमानदारी से बताना, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम खा के सुनो मेरी बात, सुनो दीदी मेरी बात सुनो। नहीं, हमारे घर में सारे पढ़े लिखे लोग हैं और ये, अरे मतलब ये अनपढ़ लोगों का काम है ना, ये जाहिल लोगों का काम है ना, ये इस तरीके से करना, ये बात आप बोल चुकी है। नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, मैं कह रही हूँ कि हमारे घर में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं, अच्छा मैं तुम्हारे घर का छोड़ दो दीदी, लेकिन ये बात जो है आपको आपके ईमान का वास्ता, अरे सुनो तो सही दीदी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपको आपके ईमान का वास्ता, आपके रसूल का वास्ता, और आपको अल्लाह की कसम खा के ये कहना होगा कि आपके बाजू में कोई इंसान 55 साल का, अगर 6 साल की या 5 साल की, सुन तो लो सवाल, 5 साल की बच्ची को शादी करके लेके आए, आप उसको थूकोगे या नहीं थूकोगे? या कम से कम घर में बोलोगे कि नहीं साले बुड्ढे के दिमाग खराब हो गया है, एक इतना बूढ़ा होके 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, बोलोगे या नहीं बोलोगे? अल्लाह की कसम खा के बोलो दीदी। दीदी नींद आ गई दीदी को? दीदी गई नहीं, दीदी दीदी को असल में, मैंने असल में यही होता है ना कि भाई जब ऐसा पॉइंट टू पॉइंट चले ना, अभी कोशिश करेंगे आगे कि वहां से हम भागने ना दे उनको, तो मसला अटक जाता है। ये अलग, हाँ दीदी नहीं मतलब, दीदी सुनो, अरे दीदी आप हमारे सामान काटने के लिए आप रेडी है? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला, अच्छा एडम पहले वो पूछ लेंगे, पहले इनको ये तो बता दो कि आपके बाजू वाला अगर ऐसी हरकत करता है, दीदी अल्लाह की कसम, अरे दीदी मेरी घर की महिला किसी का सामान काटने के लिए जाती नहीं है कहीं। एडम रुक जाओ यार, एडम रुक जाओ, तुम किसी का रेप करो, अरे दीदी तुम्हारा सामान भी सुरक्षित, तुम्हारा गला सामान सब काट के उसमें, अच्छा दीदी नाराज नहीं, दीदी नाराज नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, दीदी नाराज नहीं हो, सुनो मेरी बात सुनो, तुम तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, ईसाई बन गए हो। अरे दीदी, अरे एडम यार दीदी को पूरा नाराज कर दिया, रुक तो एडम, चुप बैठ यार, दे दूंगा अभी, तू चुप बैठ, दीदी को बोलने नहीं दे रहा है। दीदी मेरी बात सुनो दीदी, आपके अगर मैं माँ बाप से पूछूंगी कि भाई, अरे दीदी मैं अगर उनको पैसे की प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प करूंगी। हाँ लेकिन शादी करने नहीं दोगे ना? शादी करने नहीं दोगे ना? अगर लड़की कहेगी कि मुझे करना है तब फिर ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 6 साल की लड़की अगर बोल देगी मुझे कुएं में कूदना है तो आप उसको कूदने दोगे? 6 साल की बच्ची को अक्ल होती है दीदी, हक ईमानदारी से बोलना। अभी ये छोड़ दो कि मैं कौन हूँ, मैं जहन्नमी हूँ, एडम कोई जहन्नमी है, ये छोड़ दो, हक ईमान से आप बोलना, 6 साल की बच्ची जो है क्या वो ये इस बात का फैसला कर सकती है कि मेरे सामने ये बुरा इंसान है? ये तो नहीं है ना कि हमें करना ही है, कंपलसरी तो नहीं है ना, हम नहीं देखिए दीदी मेरी बात सुनिए, देखिए एक होता है कि आपको रेप करना अलाउड है, लेकिन आपको ये कहा नहीं गया कि आप कंपलसरी रेप करो, गलत ये बात में है कि सुनो मेरी बात, आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको कंपलसरी थोड़ी ना बोला है रेप करने के लिए, बात ये है कि रेप करने की इजाजत देना ही गलत है, आप समझिए बात को। इसी तरीके से आप सोचिए कि अगर आपके अब्बू जान, आप 24 साल की है तो हो सकता है अब्बू जान आपके 55 साल के हो, 50 55 साल के ही होंगे, तो आपके अब्बू जान के बारे में बोलता है ना, तो मार के नहीं,
नहीं बोलूंगा दीदी, दीदी कोई, दीदी कोई गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं एकदम प्यार से आराम से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपके आपके अब्बू जान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छा, आपके अब्बू जान अगर ये सोचते हैं कि भाई इस्लाम मुझे बच्ची के साथ शादी करने की इजाजत देता है, वो सुन तो लो, दुनिया के सबसे अच्छे और फेमिनिस्ट। एग्जैक्टली, ये देखिए, रुक जाओ चली गई। एग्जैक्टली, ये कहना चाह रही है कि मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, फेमिनिस्ट है, वो ये इस तरीके की घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। लेकिन मोहम्मद ने किया। एग्जैक्टली, यही चीज है ना, कि ये जो मुसलमान जो है ना, वो रसूलुल्लाह की चक्कर में ये चीज मान भी लेते हैं ना, ये खुद के लिए ये चीज नहीं पसंद करेंगे। यही डिबेट में यही मैं बताना चाह रहा था, और अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो चीज समझ जाएगा। दीदी कैसा समझ गई, देखो दीदी आना चाहती है तो मैं दीदी के लिए जगह बना देता हूँ, बड़ी प्यारी दीदी है, गुस्सा आता है। और अब्बू के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मैंने कुछ नहीं बोला अब्बू के बारे में। अब्बू अच्छे हैं, नहीं दीदी के अब्बू अच्छे हैं और दीदी भी अच्छी हैं, बस सिर्फ वो मोहम्मद के प्यार ने पागल किया है, और कोई बात नहीं, हमारा सामान काट रही है। अच्छा, दीदी कभी सामने, दीदी कभी सामने से मिल गई एडम, तो वो सामने जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, लोहे लोहे का वो बनाना, जैसा वो क्रिकेट में नहीं पहनते, लोहे का कच्चा, लोहे का कच्चा, हाँ लोहे की अंडरवियर पहन के जाना, तो दीदी दीदी टांग मार देगी, हील वाली जूती मार देगी सामान के ऊपर। अच्छा ये देखो एडम, ये कितना बेकार सा आर्ग्यूमेंट है, और यही मोमिनों का है कि भाई इजाजत है ना, आपको करने के लिए थोड़ी ना बोला है, या आपको कोई ऐसा ये तो नहीं कहा है कि आपको करना ही पड़ेगा। अरे भाई ये वैसी है जो अभी मैंने मिसाल दी, कि भाई आप रेप की इजाजत दे रहे हो लेकिन ये नहीं कह रहे हो कि आप करो, समझ रहे बात को ना साहिल भाई? आज तक किसी लड़की से धमकी नहीं मिली थी, आज लड़की से भी मिल गई धमकी। अच्छा दीदी अगर सुन रही है तो आ जाए यार, दीदी ने जवाब नहीं दिया है, ये देखे चालाकी, देखे दीदी ने पूरा जवाब नहीं दिया है कि मैं इसको गलत मानूंगी, सिर्फ इतना कहा है कि मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू है, फेमिनिस्ट है, हम पढ़े लिखे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। यानी जो जाहिल होता है, जो बेकार इंसान होता है, वो ये काम करता है। एक और बात भी है, मैं थोड़ा सा नॉटी बॉय हो रहा हूं इस वक्त, मुसलमान मर्द आते हैं हमें तो वो हमारी गर्दन काटने की बात करते हैं, ये दीदी हमारा सामान काटने पे भी चली हुई है यार। यार ये क्या चक्कर है यार। अच्छा ये रुको, मेरे को जगह देखने दो, हो सकता है दीदी फिर से आना चाहती है। 1 2 3 4 5 6 7 अरे यार पूरे 10 के काफी राजा, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है यार, कोई नहीं जुड़ो, दीदी के लिए जुड़ने की जगह रखो प्लीज, एक जगह खाली रखो। दीदी आप सुन रही है तो आ जाओ। अरे यार, अच्छा ये उमर अशफाक, ये भी गलत नाम से आ रहे हैं, ठीक है चलो ये देख लेते हैं इनका क्या प्रॉब्लम है। जी उमर अशफाक साहब, हेलो, बैकग्राउंड में कितना नॉइस है। जी साहब, ये आप अलग नाम रख के क्यों आए हो? दीदी को आना था, दीदी को जगह नहीं मिलेगी। जी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ जा रही आवाज मेरी, हेलो। हाँ मोमिन है आप? हाँ पक्का? पक्का 110%। हाँ अच्छा, पूरा। किधर से हैं आप? मुंबई। मुंबई से है, ओके। सूरह फातिहा पढ़ सकते हो? सूरह असर, सूरह असर। हेलो हेलो, सुनो पहली बात, तू कौन होता है, तेरे को सुनाओ। हेलो, पहली बात, मैं अल्लाह हूँ, वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। हेलो, हाँ सुनेगा बात पहले? हेलो, हाँ मेरा नाम अल्लाह है, वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। सुनेगा बात? सुना ना भाई, सब पट्टे के लिए आ रहे आज। मैंने क्या साहिल, हेलो साहिल भाई, मैं एक बात तुम्हारे बारे में बोलो ना। हेलो, अरे भाई आगे बोलो। हेलो, मैंने सुना तुम अपने मम्मा के साथ, यार पहले इंटरनेट तो सही कर ले, धमकियां बाद में नहीं, इंटरनेट तेरा खराब है, आवाज आ रही नहीं। क्या गाली देगा रे बाबा, तेरा इंटरनेट सही नहीं है, क्या गाली देगा तू?
कैसा गाली देगा, इंटरनेट तो सही करके आ दोस्त। अरे 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर ले, अच्छे वाला इंटरनेट ले ले, गाली देने में मजा तो आए गाली सुनने की। कैसा गुंडा बनेगा रे तू? यार एक कैसा गुंडा जिसकी पिस्तौल में गोलियां ही नहीं है। अरे भाई तुम्हारा इंटरनेट सही कर लो यार उमर अशफाक साहब, तुम काई का गुंडा बनेगा, तुम काई का इस्लाम का दिफा करेगा, तुम कैसा सलमान रुश्दी को मारेगा, उसके बाद साहिल को मारेगा, इंटरनेट ही सही नहीं है। हाँ तुम्हारे बाजू वाले से ही सुना था कि तुम अपने अम्मी के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो, तुम्हारी अम्मी मना कर दी कि इस्लाम में सब नहीं होता है, तो तुमने इस्लाम छोड़ दिया। तो यही मैं क्लियर करने आया हूँ कि ये सही है कि गलत। अच्छा तो ये क्लियर करने आया, किसके किसके पास से सुना भाई? मेरे वही बाजू वालों मोहम्मद ने सुनाया था कि फरिश्ता आया था जिब्राइल। मैंने तो जिब्राइल नहीं भेजा था। अरे यार इंटरनेट तो सही कर ले यार उमर अशफाक, तो पहले चुप रहा कर पहले जवाब दे जो मैं पूछा हूं। यार अपना स्क्रीन हटाना, ये वाला कमेंट हटाना ताकि इनको मेरा नाम नजर आए कि मैं कौन हूं। देखो तुम किसको चूतिया कह रहे हो, अल्लाह को कह रहे हो, मोहम्मद का अल्लाह है मेरा नाम, तुम अल्लाह को चूतिया कह रहे हो। तुम्हारे जैसे ना कितने आए कितने गए। अच्छा मेरे जैसे अल्लाह कितने आए कितने चले गए, यानी कि अल्लाह कितने आए कितने चले गए। साहिल अल्लाह आता है मरता है जीता है, अल्लाह सब कुछ करता है साहिल। अच्छा पैसे के लिए ना, पैसे के लिए अपनी माँ को चोद के इसे लाइव दिखाओगे? ओरे रे 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 उमर अशफाक, ये तुम्हारा काम है भाई, ऐसा सब काम तुम करता है बीड़ू। वो तो दिख रहा है ना बीड़ू, तुम बीड़ू तुम करता है ऐसा काम बीड़ू। अभी तुम जज्बात में है बीड़ू, बीड़ू जज्बात में है तुम, किस चीज का जज्बात आया है? हेलो पूरी जिंदगी तो थक गया, वो रिएक्शन वीडियो बना के कुछ काम तो कर नहीं पाया, पैसा एक रुपया कमा नहीं पाया। हेलो अरे तू इतना जज्बाती क्यों हो गया है मोमिन? झूठ क्यों बोल रहा है कि मैं इस्लाम का प्रचार करता था, पूरी जिंदगी तो थक गया यही करके कि कुछ कर नहीं पाया पूरी जिंदगी में। अच्छा, अच्छा 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 सुन उमर, उमर मेरी बात सुन एक। अरे इसके बैकग्राउंड में एक तो पता नहीं किधर घूम रहा है फिर रहा है इतनी रात यार, इससे पूछ ले इसकी उम्र क्या है, वैसे पता लग जाए इसकी उम्र क्या है। अच्छा उमर, उमर कितनी है तेरी उम्र? 22 साल। 22 साल में यार, सीरियस यार 22 साल में इतना जज्बात कहाँ से आता है उमर? थोड़ा थोड़ा मतलब सोचते हो तुम लोग कि हम लोग किस राह में जा रहे हैं? मुंबई में किधर रहता है उमर? मुंबई में किधर रहता है? धारावी में किधर रहता है? किधर किधर? तेरे मॉम के बाजू में सोता हूँ, छोड़ के चले गया ना तू, तेरे मॉम को भी देता हूँ कमा के ला लो। मेरी माँ का नाम हजरत आयशा है, पता है तुझे? बोल ना फिर से बोल। छोड़ के चला गया है ना तो वही वही। हाँ तो हजरत आयशा है, हजरत आयशा है मेरे बच्चे। अभी आगे बोल क्या करने का है मेरी माँ के साथ? मादर छोड़ दे फालतू का बकवास ना कर, वही मैं बोल रहा हूँ ना। हजरत आयशा को हेलो, ये मोमिन कह रहा है तूने? अभी मैं स्टार्ट हो जाऊँ क्या? नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं। अरे अभी थोड़ा फटने दो, फटने दो, और फटना बाकी है। उमर धारावी में किधर का है भाई? एक दिन का कितना कमाता है? मैं काम करता हूँ। डकार लेके तू पैसा देगा मुझे? तेरी छोटी बहन होगी तो भेज दे मेरे पास, इसका डबल दूंगा तेरा और भी इनकम हो जाएगा। फातिमा हजरत फातिमा है। अरे इसको बोलो मुझे, इसको बोलो मुझे गुटका दुख के बात करने बोलो पहले। मादर शो गुटका तू खाता समझा क्या? यार कितने गंदी लैंग्वेज है सारे मोमिनों की, कितनी गंदी लैंग्वेज है यार। अच्छा इस एक चीज मैं बता दूं इसको, इसके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है, ये जो गाली दे रहा है ना इसका 10 गुना ज्यादा मैं ऐसी गाली दे सकता हूँ ना कि इसकी अभी पिछवाड़ी से अंगार निकल के भाग जाएगा। 10 गुना ज्यादा ये कभी
कभी जिंदगी में सुना भी नहीं होगा कि मैं किस तरीके की गाली दे सकता हूँ। हाँ बचपन से तेरी माँ तेरा बाप, तू बचपन तेरी माँ तेरा बाप, मेरी माँ हजरत आयशा, ठीक है। अब मेरी माँ के बारे में क्या कहना है बता देना, मेरे बच्चे क्या बोलेगा सब फालतू का। अच्छा, जो बोल उमर, इस्लाम का प्रचार करता था उमर 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 मेरी बात सुन। चल मैं प्रचार करता था नहीं करता था जो भी करता था, मैं तेको अगर धारावी में मिल जाऊंगा तो क्या करेगा तू? सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यही करेगा उमर फारूक, ऐसा उमर उमर अशफाक। अच्छा अगर सुन मेरी बात सुन उमर, अगर तेरी गांड में सुन, अबे झंडू तेरे दूध के दांत गिरे नहीं है चोदू बोचड़ी के, पहले दूध के दांत गिरा उसके बाद बात करने को आ, समझा क्या? अरे मादर, यही तेरे को इस्लाम की बात करने की ना बेटा, तो इस्लाम की बात करा के, इस्लाम का दिफा करा के इधर है ना, हम लोग को चोदना मत सिखा लौड़े। टाइम पे अगर चोदा रहता ना बड़वे, तेरे से बड़े बच्चे रहते मादर चोद। मैं कह रहा था मुन्ना भाई को ओपन करते, अरे मुन्ना भाई ने, अरे नहीं 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 चलो इसको हटा देते। ये असल में ना मैं बताता हूँ, ये ना जहां तक मुझे अंदाजा आ रहा है ये काम करता होगा कोई कारखाने में, ठीक है, कारखाने में काम करता होगा, इसके खुद के वांदे होंगे और इसकी बात के लहजे से ये समझ में आ रहा है कि इस तरीके का बंदा है, ठीक है। ये असल में ये कैसा है ना, ये बोलने के लिए इसके सामने जाके खड़े जाओ ना, इसके पैंट से मूत निकल जाएगा भाई। ये कानपुर साइड का बंदा है भाई, ये बंबई का है ही नहीं है। अरे हो सकता है वो बंबई में बहुत सारे लोग आते हैं, बंबई में किधर भी मिल विल में किधर कारखाने वारखाने में काम कर भंगार वंगार का धंधा करता रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा ये। सही बात है समझे, इनको बात करने की तमीज नहीं है। आओ तो आके बात करो, तुम लोग आके क्या करते हो मालूम है, तुम्हारी कौम की माँ चोद के जाते हो आके इधर, समझे, तुम्हारे ऐसे लोगों की वजह से तुम्हारी कौम की माँ चोदती है, समझे। मुन्ना भाई तो एकदम सही बात बोल रहा हूँ, आके आके बात करो ना भाई, तुम आके उसका जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो ना भाई आके। तुम्हारा इस्लाम तो ऐसा है जिसने मोहम्मद के खानदान को भी खा लिया भाई, समझे, उसकी बीवी भी सब मर गई इस्लाम के चक्कर में, कौन बचा उसके खानदान में, इतना बड़ा नबी, सब आपस में मारे गए, सब आपस में लपड़ा करके मर गए, दोस्तों को भी मरवाया, मोहम्मद के दोस्त मोहम्मद की बेटी को भी मरवाया, मोहम्मद की बेटी का पेट में बच्चे को मरवाया, मोहम्मद सबको मरवाया, और मोहम्मद को भी, और मोहम्मद को भी, और मोहम्मद को भी जहर दे के मार दिया भाई, क्या बचा, कौन सा अल्लाह आया बचाने को मोहम्मद को, कहां से आया अल्लाह बचाने को। हाँ वो अभी वो सलमान रश्दी को जिसने मारा उसको डाल दिया ठोले लोग ने अंदर, तो अभी अल्लाह आएगा डायरेक्ट जिब्रील भेज के अल्लाह निकालने वाला है क्या बाहर, अंदर गान फोड़ी जाएगी उसकी भाई। 23 साल का ईरान का आदमी था, आग पे वार किया है, पैर में किया है, गले में किया है, पेट में किया है, हर जगह उसने वार किया है, अभी क्या जिंदगी भर रहेगा अमेरिका के जेल के अंदर, और गांड मरवाएगा ऐसे बंदे की तो गांड मारेंगे वो लोग रोज सुबह से लेकर शाम तक। और उसके वजह से क्या हुआ, उसके वजह से हुआ क्या, जितने मोमिन अमेरिकन कंट्रीज में जाएंगे ना उनको और शक से देखेंगे, अच्छा से देखेंगे क्या। सही बात है, ये खुद की मरवा के लेते हैं लोग, ये खुद की मरवा के लेते हैं आके धमकी, वो औरत आके बात करती है, औरत है, औरत को क्या सिखाया गया इस्लाम में, गाली देना सिखाया गया औरत को। हाँ और तू आके क्या बात करती इधर आके, उससे क्या दिखता है, तुम्हारा बैकग्राउंड दिखता है, तुमको इस्लाम क्या सिखाता है वो दिखता है। और हम इस्लाम... नंगे के साथ में, और हम ऐसे लोग है ना नंगे के साथ में नंगा होके खड़ा होगा, माँ का डरने वाला नहीं है मैं माँ की यार। खोपड़ी में एक बात जाती नहीं है भेंडी, नबी तुम्हारा है, तुम उसको जेब में रखो, घर में रखो, किधर भी रखो ना भाई, तुम इज्जत करो ना उसकी, दूसरे का क्यों ठेका लेके रखे, दूसरा भी इज्जत करेगा। अच्छा ये इस्लाम इज जस्टिस कोई जुड़ना चाहते हैं तो मैं कुछ जगह बना रहा हूँ, डॉक्टर साहब आप थोड़ी देर में जुड़िएगा, यार कोई भी नॉन मोमिन अभी ना जुड़े,
ये इस्लाम इज जस्टिस यार, आपके लिए मैंने जगह बनाई, आप आ जाइए जल्दी से। जस्टिस अभी नजर आ रहा है, जस्टिस कितना है, औरतें भी मारना जा रही है, हमारा केला काटना जा रही है और मर्द भी मारना जा रहे हैं। मीनवाइल हम लोग फटाफट जो हमारे नॉन मोमिन कॉलर्स है उनको दो दो मिनट बोलने का मौका देते हैं ताकि सबको मौका मिल जाए। जी अखिल साहब, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। थैंक यू सर, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है सर, एकदम शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा सर, सबको मौका मिल जाए। ये बताने आया था, जैसे मौलाना साहब ने कहा था कि उन्होंने मतलब वो जो दो उनके साइड में बैठे थे ना, वो फटाफट मतलब पीपीटी बना रहे थे आपको मतलब काउंटर करने के लिए, तो उन्होंने नेट पे सर्च किया कि क्या 18 इयर्स ओल्ड वुमन भी डाई कर सकती है मतलब आफ्टर हैविंग सेक्स। तो उन्होंने आर्टिकल जो उठाया था तो उसमें उन्होंने पढ़ा नहीं, नीचे लिखा हुआ है दैट द वुमन सफर्ड ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड शी डाइड ड्यू टू एन हार्ट अटैक। सेम आर्टिकल जो उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया था, आप एक्सेप्शनल केस को जनरल उसमें कैसे उसको यूज कर सकते हो जनरल चीज साबित करने के लिए? यहाँ से दिखाता है कि आप कितने बड़े बेवकूफ हो। अरे भाई, साहिल भाई पहली बात तो मेरे को बताओ, वो मौलाना पटेल जो था वो रेफरेंस दुनिया भी रेफरेंस क्यों दे रहा है, कुरान के रेफरेंस क्यों नहीं दे रहा है? वो दुनिया के रेफरेंस दे रहा है, चार मौलाना लोग को बाजू में बिठाए, चार लैपटॉप खोल के दुनिया भी रेफरेंस दे रहा है। दुनिया से तुमको क्या लेन देन है? तुम्हारे दुनिया तो टेम्पररी है, तुम कुरान से रेफरेंस देके बताओ ना भाई। और तुम मानो ना कि मोहम्मद ने जो किया वो गलत किया पहले, नहीं मानेगा ना साहिल? साहिल देखो, ये भी एक बड़ा पॉइंट था, मैंने उस वक्त बोलना चाह रहा था कि जब उसने तुम्हें कहा कि तुम आजकल की दुनिया के साथ रेफरेंस ले रहे हो, लेकिन साला खुद चाइना की फॉर एग्जांपल देना शुरू हो गया भाई। हाँ। तुम्हें पहले उसी तीन मिनट में पहले उसने बोला है कि साहिल तुम आजकल की दुनिया की एग्जांपल ले रहे हो, आजकल की दुनिया की एग्जांपल ले रही, और फिर रिबटल देने के लिए चाइना की एग्जांपल ले रहा है। अबे डंगर, दिमाग खराब है तेरा, पागल कुत्ते ने काटा है। जिस चीज से तू बोल रहा है उसी चीज के, यार क्या पागल है यार ये लोग। अरे अक्ल के अंधे होते भाई, इस्लाम अंदर अक्ल बाहर। मुन्ना भाई आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन उसने इस चीज को खुद ही रिफ्यूट कर दिया वैसा ने। हाँ वही बोल रहा हूँ भाई। अच्छा, तो ये तुम्हारे में इतना मोमिनों में इतना दम है तो चाइना में मुसलमानों के साथ में इतना कुछ जुलूम हो रहा है, उधर जाके सर तन से जुदा करके बताओ दम है तो पिछवाड़े में, चाइना में जाके सर तन से जुदा करके बताओ। देखो जिंगपिंग क्या करता है, वो सर जुदा करके ना भाई उधर एक चौखट पे लटका देता है टेररिस्ट लोगों को ना, वो एक स्क्वायर है उधर गुंसा देवी, उधर लटका देता है एक, समझे, उसकी बॉडी लटका डालता है उधर, जो टेररिस्ट की उधर हरकतें करने जाते हैं ना ऐसी कट्टरता वाली, उनको लटका देता डायरेक्ट। ये इंडिया में पॉलिटिशियंस ने मुस्लिम वोट ना लेने हो तो इंडिया भी बड़ा सीधा हो जाए, ये मुस्लिम वोटों की वजह से ये वाली सारी हरकतें हो रही हैं, ये मुस्लिम वोट के वोट बैंक वाला मसला ना हो तो इंडिया भी सीधा हो जाए। मैक्सिमम मोमिनों को देखो एडम भाई, इन लोग आएंगे ना, इन लोग आके गाली गलौज वाली बात करेंगे। अरे तुमको क्या है इतना प्रॉब्लम कि छोड़ दिया इस्लाम, तो उसके अंदर तुमको प्रॉब्लम क्यों होती है? हमने छोड़ा तुमको प्रॉब्लम क्यों होती है? तुमका तुम्हारा पेट क्यों दुखता है हमने छोड़ा है? तो भाई मेरे को तो ये समझ, तुम्हारा पेट क्यों दुखता है इस्लाम हमने छोड़ा तो? नहीं, पेट इसलिए दर्द होता है कि भाई तुम छोड़ दिए ना, चुपचाप गांड दबा के बैठो, बोलो मत। लेकिन क्यों नहीं बोले? हम बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलता है ना। अच्छा, चाइना से तो इधर हम रुकेगा नहीं, हम बोलेगा। मीट में ही चाइना का फॉरेन मिनिस्टर खड़ा था और स्पीच दे रहा था। अच्छा ओके, अखिल साहब आपका पॉइंट आ गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया यार। नॉन मोमिन कोई ना जुड़े अभी प्लीज। विनीत शर्मा साहब का इस्तकबाल है। हेलो जी, हेलो साहिल भाई, एक फ्री थिंकर है क्या साहिल भाई? फ्री थिंकर है, लेता हूं मैं। है क्या फ्री थिंकर? अरे बिन पेंदे का लोटा, बिन पेंदे का लोटा है वो इसकी माँ का, इधर अलग बात करता है उधर अलग बात करता है। उसको बोलो लेते हैं, लेते हैं अभी तो थोड़े देर में लेते हैं, उसको भी लेते हैं, टेंशन नहीं है। उसकी मैं लेने वाला हूं, थोड़ी देर में उसकी लेते हैं साहिल भाई, इधर क्लियर कर दे उसको और उसकी दोनों लेते। हेलो, क्लियर कर दे यार, क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा विनीत शर्मा जी से बात कर लेते हैं। जी आपका स्वागत है। हेलो साहिल भाई, नमस्कार। आदम जी नमस्कार, मुन्ना भाई मस्त। और मैं अभी बहुत देर तक डिबेट सुन रहा था और मेरा दिमाग खराब हुआ जी, जो दो अभी आए थे, एक तो दीदी जी आए थे और एक अभी आके गए हैं उमर अशफाक। हाँ, मैं
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਚਲੋ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀ ਲਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੁਆ, ਅਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਅਭੀ PhD ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਮੈਂ, ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਸਬਮਿਟ। ਔਰ ਪਿਊਬਰਟੀ ਆਨੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਯੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਊਬਰਟੀ ਆਨੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਨਾਉ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਬ ਬਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਟਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਬ ਵੋ ਬੱਚਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਬਾਤ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ। विनीत जी वही तो मैं बार बार हाईलाइट कर रहा था ना कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट हो जाना ये तुम्हारी इतनी गंदी अकल या बेवकूफी है कि तुम समझते हो मेंस्ट्रुएशन आ गया तो अब वो रेडी हो गई है साला, मतलब आप अभी उसके साथ बच्चे भी अच्छे से पैदा कर सकते हो, उसका काम भारी कर सकते हो, सब कर सकते हो, इतनी तो इनकी अकल मर गई है नबी को। अच्छा ये बात लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये बात सिर्फ वो नबी को बचाने के लिए करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में वो अपनी बच्चियों की शादी 6 साल में 9 साल में नहीं करना पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको मेंस्ट्रुएशन आ जाए। सर देखिए मैं स्मार्ट और हैंडसम पराठा बनाना पड़ना है और कुछ नहीं। अभी मैं स्मार्ट और हैंडसम बंदा हूँ, मेरे लंबे लंबे बाल भी है, जिस जो इस चीज को अमल करता है और मानता है इस चीज को सही, मैं उसकी 12 साल की 9 साल की 10 साल की बच्चे से शादी करने को तैयार हूँ। एडम भाई कोई दुबई का शेख बिलियनर अगर वो किसकी बेटी को बोलेगा ना 6 साल की उम्र शादी करें तो दे डालेंगे भाई, समझे क्या? वो समझा नहीं उसके मौलाना के बयान से बिलियनर से छोटी बच्ची शादी करती है। एडम भाई भी ना बिच स्वाद लेंदे ने पूरे की फोटो ला ला के ना, मैं पूरा देख रहे हैं, एक पंजाबी दूजे पंजाबी नु बिल्कुल समझदा जी। यूपी और बिहार से बहुत लोग आ रहे हैं सर काम करने के लिए वहाँ पंजाब में, और मुस्लिम्स की जनसंख्या मेरे गाँव में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो इन लोगों ने वही काम करना शुरू किया सर, नमाज फ्राइडे की होती है और सड़कों पे आके आना शुरू कर दिया, और जब तक इनसे इनके साथ सख्ताई ना हो तब तक ये लोग कुछ करते नहीं। 3 हफ्ते तक इन्होंने हर फ्राइडे को रोक के रखा और फिर करी पुलिस कंप्लेंट। मेरे को नहीं लगता दिल्ली वाली पुलिस क्या करती है, महाराष्ट्र वाली, इधर तो कंप्लेंट हुई जी, और वहां पुलिस वाले खड़े हो गए 6-6 फुट के बंदे, और जो पीछे लात डांगे मारी इन लोगों के, बंदरों ऐसी लाल कर दी इन लोगों की। वो दिन गया आज सर 4 साल हो गए, कोई नहीं बैठा जी सड़कों पे नमाज पढ़ने के लिए। ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स है, आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको रैशनल डिस्कशन करनी पड़ेगी, आपको बिना बात किए मतलब अपना पतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बैठो और बात करो। अभी मैडम जो आए थे, मतलब बड़े सत्कार से बोल रहा हूँ, हालांकि अल्फाज में बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने, ठीक है जी, मेरे को भी और सबको गालियां आती हैं यहाँ पर, लेकिन यार ये कोई मतलब हुआ डिबेट करने का? मतलब तुम राजी नहीं हो अपनी 6 या 9 साल की बेटी की शादी करने के लिए, लेकिन उन्होंने किया तो उसको डिफेंड करने के लिए आप किसी भी स्तर पे करने के लिए तैयार हो। हाँ, और मैनिपुलेट करने का, डेटा मैनिपुलेट करो आप कुछ भी, मतलब लोग जो है पागल है। सर मैं PhD कर रहा हूँ, अभी मेरी लैब में भी ना मोमिन है, और वो लोग यही बोलते हैं कि आप किसको मानते हो। सर मैंने बोला कि भाई मैं तो एनर्जी को मानता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी है, दैट्स इट, कर्मा को मानता हूँ भाई, जो अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और जलेबी कहाँ से बनानी, तब तो इतनी अकल नहीं थी सर, आपका चैनल लेट आया, मतलब मैंने देखा लेट। तो ये लोग बोलते हैं कि सर आपके तो ख्याल बिल्कुल मुस्लिम जैसे बनते हैं कि हम लोग भी आइडल वर्शिप नहीं करते। ओ मैं कहा तुसी रुक जो, मौका देके चौका मार रहे थे। हाँ हाँ मैं फड़ लिया गुत्थी तो, मैं रुक तू, मैं के एनर्जी और तुम अपने आइडियाज थोप रहे हो मुझ पे है। हम तो बात करते हैं कि ठीक है भैया जो तुम करोगे वैसा तुम्हारे पास आएगा, दैट्स इट। तो सर इनकी मैनिपुलेशन इतनी ज्यादा है ना, फिर आयात पे आयात, अब हमें तो पता नहीं था, ये तो आपका चैनल देख रहे हैं, एडम सीकर को देख रहे हैं, मतलब इनका तो अंदाज ही अलग है, ठीक है। ये है वीरेंद्र सहवाग और आप है राहुल द्रविड़। क्रिकेट नहीं देखता है क्या? क्रिकेट नहीं, पंजाबी च बोलना
बिना देखे ताबड़ तोड़ बांदर की लाल कर दी है बस ओके रहता है वीरेंद्र सहवाग और साहिल सर है एकदम राहुल द्रविड़ एकदम टिक के इत्मीनान से बल्लेबाजी करते हैं भाई तू बोल जो बॉलिंग डालनी है डाल हमारे पास जवाब बहुत है टका के और मुन्ना भाई आप भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो लगे रहो ये चीज ऐसे ही आगे बढ़ेगी थैंक यू सर बहुत टाइम ले लिया बहुत शुक्रिया एडम सर साहिल सर और मुन्ना सर जय हो जी बहुत शुक्रिया कम अच्छा ये रखो जी बहुत शुक्रिया अच्छा ये 5000 लोग देख रहे हैं यार अभी भी चैनल के जो सब्सक्राइबर है ये बैकअप चैनल पे वो सिर्फ मुझे 23,500 ही दिख रहे हैं यार आप लोगों को इनको दिखाना है कि हम एक महीने के अंदर आप अगर किसी 420 करके आप अगर चैनल उड़वा भी दोगे तो हम एक महीने के अंदर जो है उसको वैसी पुरानी पोजिशन में लेके आएंगे जितने लोग देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जितने नए लोग देख रहे हैं कोई अगर बिना सब्सक्राइब के देख रहा है तो जरा कमेंट कर दे कि मैं बिना सब्सक्राइब के देख रहा हूं क्या अच्छा यार, ये लीजिए मिनटों में 5000 लोग बैठ गए हैं और क्या चाहिए हाँ वही तो ये हमारे क्या नाम है इनका फ्री थिंकर भाई जुड़े हैं और कुछ तो मैं बोलना हाँ इन्होंने क्या डायलॉग मारा यार कमेंट में एक बार वो मुंह से भी बोल दीजिए जरा फ्री थिंकर भाई क्या लिखा था तुमने फ्री थिंकर भाई अरे ये पिटने के डर से कहीं इनकी आवाज तो नहीं गुल हो गई कल इन्होंने बड़ा बेहतरीन साबित किया था कि उसामा बिन लादेन एक पक्का मुसलमान था और उसने जो कुछ किया है वो इस्लामिकली करेक्ट किया अरे एडम भाई ईरान के न्यूज़पेपर की हेडलाइन है आज की जो वो लड़के ने किया ना सलमान रश्दी को लेके उन्होंने क्या बिल्कुल ठीक किया ना उसको उसको एकदम ठीक किया और उसको सैल्यूट दे रहे उसके साथ में रहता इधर ईरान में रहता था हम उसके हाथ चूमते थे बोले क्या ये हेडलाइन है इन लोग की अब सर उसकी वहां पे अमेरिका की जेल में गांड फट रही होगी ना बेहतरीन है फड़वाए गांड सारी उम्र मैं कहता हूँ उसको कत्ल नहीं करना चाहिए उसको उम्र कैद देनी चाहिए और कैदे में मुशक्कत होनी चाहिए वहां पे हर बंदा जो है ना काला उसकी दबा के ले हाँ भाई दबा के ले चिकना है भाई एकदम चिकना है भाई और उधर क्या उधर क्या निगरो विगरो लेते हैं भाई एकदम चकाचक अच्छा 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 साहिल भाई एक एडम भाई एक सवाल है एडम भाई एक सवाल है अच्छा वो मौलाना साहब जो आए थे उन्होंने बोला आयशा को बीबी आयशा को अम्मा आयशा को भाई अम्मा आयशा को खाना खिला खिला के बड़ा किया मोटा तगड़ा किया ऐसा मतलब समझे क्या तो भाई मेरे को एक बात बताओ अम्मा आयशा वो निगर तो नहीं थी ना निगरो नहीं नहीं पक्का ना क्योंकि ऐसा निगर लोग जो रहते हैं निगरो लोग जो रहते हैं ना साउथ अफ्रीका नाइजेरिया इधर के जो लोग रहते हैं ना इन लोग इनकी बेटियों को ना एक्स्ट्रा खाना खिला के इन लोग को गाढ़ा ताजा करते समझे क्या एक इसमें डिस्कवरी में देखा था मैंने एक्स्ट्रा खाना जबरदस्ती मार मार के माँ खाना खिलाती है खाओ ताकि वो मोटे होए हाँ अच्छा जेबान अरे दीदी को अरे अभी सब जन रुक जाओ यार दीदी को आना है जेबान आज कह रही है कि स्टूडियो फुल है एक मिनट मैं फटाफट जगह बनाता हूँ दीदी आ जाओ दीदी आ जाओ और बताओ किस तरह कटोगी हमें अरे डॉक्टर साहब रुको यार एक्चुअली डॉक्टर साहब का नंबर ही नहीं आ रहा क्योंकि कोई ना कोई मोमिल आ जा रहा है यार डॉक्टर को ले ले किसी और को रिमूव कर दे डॉक्टर को ले ले किसी और को रिमूव कर दे अच्छा वो निकल गए अभी दीदी आ गई दीदी डिस्कनेक्ट हो गया था आपका नहीं सब लोग कह रहे थे कि हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर कि मतलब हमें हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं अच्छी नहीं है ऐसा नहीं है मैंने बीटेक किया हुआ है कि हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती कोई जस्ट बिकॉज होता है इसलिए उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है या वो पढ़ा लिखा नहीं है जो भी लोग सामान काटने की बात कर रहे हैं तो ये लगेगा ना कि वो पीएचडी किया हुआ है उन्होंने बायो में अरे दीदी लेकिन उसका पढ़ा लिखा नहीं है अच्छा दीदी लेकिन आप स्ट्रीम छोड़ के चली क्यों गई थी मैं पापा से पूछने गई थी कि शादी कब होती है कि मैं समझा पापा से पूछने गई थी कि काटेंगी कैसे दीदी एक मिनट पापा से क्या पूछने गए थे दीदी कि शादी कंपलसरी होती है नहीं पापा ने कहा नहीं तो हमने ये कब कहा कि कंपलसरी है यार ये हमने नहीं कहा हमने ये कहा कि अगर आपके मतलब कंपलसरी है कि मैं कब बोला नहीं मैंने कंपलसरी नहीं कहा है अरे मैंने ये कहा है कि आपको इजाजत है ना आपको इजाजत है यानी आपके कंपलसरी नहीं है
आपके अब्बू अगर 6 साल की बच्ची से शादी करना चाहते हैं तो इजाजत है इस्लाम की रूह से? साहिल भाई, साहिल भाई दो मिनट मेरे को बात कर रहे हो क्या एकदम प्यार से? मेरी माँ जिंदा है मेरे, तो क्या चार शादियां अलाउड है ना? वो चार शादियां कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट एडम भाई, मैं एक बात करता हूँ, सुनो लेकिन चार शादियां तो मोहम्मद ने अलाउ की है। कुरान कहता है दो या तीन या चार के साथ करो, कुरान तो स्टार्ट ही दो से शुरू होता है। दीदी आई तो 5000 व्यूअर्स को क्रॉस कर दिए, दीदी आई तो 5000 व्यूअर्स क्रॉस हो गए। दीदी मेरी एक बात सुनो, दीदी मेरी बात सुनिए। अरे दीदी एक बात सुनिए, दीदी बड़े हो गए हो, अभी तक नाम मुन्ना रखा हुआ है, बड़े हो जाओ भाई, नाम भी बराबर। अच्छा दीदी बात सुनो, आप मोहम्मद की सुन्नत पे अपने पापा की अमल नहीं कराएंगी? मोहम्मद साहब की सुन्नत है ज्यादा शादियां करना, आप पापा से क्यों नहीं अमल करवा रही, वो भी दो या तीन या चार या छह के साथ शादी करें? भाई वो खुश है अपनी धर्मपत्नी के साथ। नहीं खुश की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, अल्लाह मियां ने कहा है कि तुम, अल्लाह मियां ने तो एक का लफ्ज ही नहीं बोला, कुरान की आयत शुरू ही दो से होती है, और तुम इनमें से दो या तीन या चार चार के साथ शादी कर लो, कुरान की आयत दो दो तीन तीन चार चार बिल्कुल कर सकते हैं, पर उनकी मर्जी है ना। नहीं यही तो कह रहा हूँ, आप मदद करें ना उनके लिए, उनके लिए भाई। चार शादी करने को पावर भी मांगता है कि नहीं? बैटरी डाउन रहेगी तो चार शादी कैसी करेंगे आदमी? आपके पापा में इतनी पावर है कि एक दिन एक को और दूसरे दिन दूसरे को सेटिस्फाई कर सके? और नबी की सुन्नत पे चलना है तो एक ही दिन सबके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह जो है सारी बीवियों के साथ एक ही रात में हम बिस्तरी करते थे, हम बिस्तरी भी करते थे 11 बीवियों के साथ रात में, और नमाज भी पढ़ते थे, ताज्जुद भी पढ़ते थे और नफिले भी पढ़ते थे। प्यारे नबी थे, उनकी बात अलग है, नॉर्मल जो प्यारे कैसे थे, शक्ति मानते हमारे। अच्छा आप नबी का कंपैरिजन एक नॉर्मल इंसान से। अच्छा एक हमारे आपके नबी में सेक्स की पावर इतनी ज्यादा क्यों थी? 30 मर्दों की पावर थी वो, जब लड़ाई पे जाते थे जो लड़ाई की ताकत थी वो तो अली में थी। मोहम्मद साहब जिस दिन लड़ाई करने गए थे उनके दो दांत टूट गए थे लड़ाई में, पहले टूटे एकदम सही पकड़ो एकदम भाई, नहीं थे शहीद हुए थे, एक ही बात है शहीद टूट गए भाई, दांत भी शहीद होता है भाई, ये मेरे को आज मालूम पड़ा भाई। अच्छा एक मिनट मुन्ना भाई, एक मिनट एडम, एक मिनट। अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो उसमें शिफा है। अरे ए दीदी ऐसा नहीं, रुक जाओ, ऐसा नहीं, रसूल की बात हो रही है, आपके लिए जान से प्यारे है, रसूलुल्लाह के लिए ही आप मेरा और एडम का सामान काटने के लिए भी रेडी हो गई थी, थोड़ा रुक जाइए। इतना खूबसूरत सामान है मेरा, मैं गलत बात नहीं करूंगा, एक मिनट दीदी, मैं गलत बात नहीं करूंगा, जो है वही बताऊंगा। नहीं तो तुमने मुझे सेक्स में बोला था कुत्ते, इसलिए मैंने बोला था। अच्छा ठीक है, वो दर गुजर। अच्छा ये गलत है एडम, ये दीदी पे कुछ मत बोलो प्लीज, मैं डांटूंगा तुमको। हाँ दीदी को नहीं बोला, जो लिखा है वो बोलो, ठीक है। अच्छा सॉरी दीदी, सॉरी बोलो सब लोग, सॉरी दीदी। और मैं इतनी कायर नहीं हूँ, एक मोमिना इतनी कायर नहीं होती कि तुम मुझे कुछ भी बोलो और मैं तुम्हें जिंदा दूँ। कितनी कायर होती है ये बता दें, आपने कहा इतनी नहीं होती, कितनी होती है? अरे एडम रुकना भाई, अच्छा यार अरे रुकना एडम रुकना प्लीज दीदी। अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, हाँ दीदी मान ली आप बहुत स्ट्रांग लेडी है, ठीक है, मुझे ये बताओ दीदी, आप जो है वो रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो उसमें शिफा है, ठीक है, जहन्नम की आग से भी आपको बचाएगा, आड़ कर देगा। एक मिनट रुको ना दीदी, मैं आपको अभी दलील दे दूंगा, थोड़ा देर रुक जाइए, मैं आपको दलील दे दूंगा, लिखा हुआ है, ठीक है, आपके आलिम साहब भी कहते हैं कि हाँ ये वाकिया है, रसूलुल्लाह ने इस तरीके से कहा है। अच्छा ठीक है, एक बात मान लीजिए है लिखा हुआ, क्या प्यारे नबी अभी है इस धरती पे के ऊपर? अच्छा हाँ, अगर आपको रसूलुल्लाह के जमाने में आप सुन, अरे सुनो तो सही दीदी, अगर आप वो लक्की पर्सन होती रसूलुल्लाह के ज़माने में, और आप चाहेंगी भी ना कि रसूलुल्लाह के ज़माने में हो, क्या आप देख सकती? अगर आप रसूलुल्लाह के ज़माने में होती, या समझिए कि रसूलुल्लाह बुराक लेकर इस ज़माने में आ जाए कबर मुबारक से, तो
क्या आप उनका पेशाब मुबारक अरे मालूम अरे अल्लाह ने बता दिया कि ये आपके रसूल है आसमान पे क्लियर क्लियर ठीक है आपको मालूम पड़ गया कि हाँ यही अल्लाह के रसूल है ठीक है मुझे ये बताइए कि क्या आप रसूल मुबारक का पेशाब मुबारक ग्लास में अगर डाल के दिया जाए तो क्या आप पिएंगी वो भाई मैं उनका उनको जो ज्ञान देना होता है ना वो मतलब जो भी उनका टीचिंग होता है वो सुनूंगी पेशाब नहीं पियोगे पेशाब सॉरी गुस्ताखी हो जाएगी पेशाब मुबारक नहीं पियोगे भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि अरे यार रुको मैं भी हुआ है अगर लिख नहीं अगर लिखा भी हुआ है तो ये पुरानी हाँ। बात थी पुराने जमाने के लोगों के लिए अरे तो तुम अगर उस जमा अरे देखो दीदी देखो कैसा है ना अभी जैसा मेरे से सवाल करो ये सेम सवाल कि भाई तुम उस जमाने में होते और रसूल पाक जो है वो पेशाब मुबारक सामने रखते तो क्या मैं पी लेता तो मैं कहूँगा नहीं पीता मैं वहां मेरे को उल्टी आ जाती मैं नहीं पीता ठीक है मेरे से सवाल करोगे तो लेकिन और अगर आप सुनो जहन्नम की आग से बचना है तो आपको पीना पड़ेगा ना हाँ नहीं अरे भाई वो जहन्नम की आग मैं बोलूंगा तो, ये झूठे रसूल है एक मिनट भी रुको अरे रुको दीदी रुक जाओ दीदी रुक जाओ यार प्लीज रुक जाओ दीदी तो उस जमाने में अगर आप मुझे भेजोगे तो मैं नहीं पीऊंगा ठीक है तभी का तभी मुर्तद भले से गला काट दो इस जमाने में बोलोगे कि रसूलुल्लाह इस जमाने में आ जाए अगर तो क्या मैं पीऊंगा मैं बोलूंगा नहीं पीऊंगा ठीक है अभी मैं आपसे पूछता हूँ दोनों सवाल जैसे मैं जवाब दिया वैसा आप बताइए रसूलुल्लाह के जमाने में अगर आप होते या अब रसूलुल्लाह नहीं जवाब इसलिए नहीं बनता है क्योंकि जब आएंगे वो तब मैं देखूंगी तब मैं बता दूंगी अच्छा मतलब पीने की पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है कि आप पियोगे उसमें अगर रसूल क्योंकि आप मोमिना है रसूलुल्लाह अगर कह रहे हैं कि भाई इससे आप जो है वो जहन्नम की आग से बच जाओगे नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वो ही करके मैं बचूंगी मैं उनकी टीचिंग से भी तो चल के बच सकती हूं अरे लेकिन सुनो ना रसूलुल्लाह इतना ग्रेट ऑफर दे रहे हैं कि आप सीधा जहन्नम की आग से बच जाओगे तो आप क्यों नहीं करोगे आप हिचकिचा क्यों रही है मतलब ये काम आप नहीं करोगे ना देखो जेवा दीदी यही नहीं यही कि आप सोचोगे मतलब ये काम आपको बुरा लग रहा है इस वजह से आप कह रहे हो कि मैं सोचूंगी अगर आप पक्की मोमिना होती तो आप ये कहती मैं गटगट 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 करके पूरा एक घुट में पी जाती लेकिन आपका ये कहना कि मैं सोचूंगी इस बात अच्छा, की दलील है अगर अभी, नहीं अगर आप अभी रेगिस्तान में चले जाओ डेजर्ट में चले जाओ आप मर रहे हो तो क्या आप अपना हाँ, पियोगे नहीं पियूंगा मर जाऊंगा हाँ, तो आप मैं सोचूंगी उस बारे में लेकिन वो औरत मर नहीं रही थी जो मोहम्मद का पी रही थी हाँ वो औरत मर नहीं रही थी और देखिए दीदी देखो बहुत इम्पोर्टेंट है तो मैं सोचूंगी नहीं अरे ठीक है लेकिन रसूलुल्लाह का पेशाब पियोगे सॉरी पेशाब बोल रहा हूँ माफी चाहता हूँ सबसे पेशाब मुबारक पियोगे लेकिन वहाँ पे डिजर्ट अरे अपना बात नहीं कर रहे यार अपना देखो एक मिनट मैं एक बात बोलता हूँ देखो आई एम सॉरी व्यूअर्स लेकिन मेरे को बताना पड़ रहा है दीदी के लिए क्योंकि दीदी रॉन्ग इन एग्जांपल दे रही है यार अरे रुको ना दीदी आप अपने पेशाब की बात करिए अरे रुको ना दीदी आप अपने पेशाब की बात करिए देखिए एक इंसान को अपने मारे हुए पाद की बास नहीं लगती एक इंसान को जब वो टॉयलेट के लिए जाता है संडास के लिए जाता है टट्टी करने जाता है तो उसको बास नहीं लगती है जो बाजू वाला होता है बाहर वाला था उनको बदबू लगती है गंदगी लगती है ठीक है मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ठीक है चलो एक टाइम पे आप अपना पेशाब भी पी लोगे मेरा आपके पेशाब के ऊपर नहीं है क्या मैं आपको बता रहा हूं ना कि खुद का पेशाब संडास आदमी को इतना गंदा नहीं लगता है दूसरे का लगता है ठीक है खुद का थूक आदमी को गंदा नहीं लगता है दूसरे का लगता है मेरा सवाल आपसे ये है आप अपना पेशाब पियेंगी उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा सवाल है क्या आप रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पिएंगी वही तो बोला सब सोचूंगी पिएंगे मोमिना मतलब देखिए कि इनका ईमान जो है डगमगा गया है मेरा ईमान डगमगा हो गया कत्ल करने के लिए अच्छा दीदी एक और बात सुने दीदी एक बात आप लेट्स से कि आप कत्ल कर देती हैं हम में से किसी को लेट्स अस्सुम माशाल्लाह इंशाल्लाह व्हाटएवर और उसके बाद आप पकड़ी जाती हैं और हाँ। आपको डाल दिया जाता है जेल में सारी उम्र के लिए
और वहां पे आपको पता है कि जेलर जो है ना रोज सुबह शाम आके बजाएगी आपकी, तो क्या आपको कबूल है ये? पहली बात तो जेल में होता नहीं है। होता है तुम पता नहीं तुम पाकिस्तान वहां का जेलर, लेट्स से वहां का जेलर जो है ना एक्स मुस्लिम है, वो एक्स मुस्लिम है, वो रोज आगे बजाएगी आपका सुबह शाम, आपको कबूल है ये? तो तुम मुझे जानते नहीं हो भाई, वो जेलर है, आप जेल में है, कुछ पता नहीं लगेगा आपको, आप क्या करेंगे? नहीं तो वो ये होगा कि मैं या फिर मर जाऊंगी या फिर उसे मार दूंगी, अगर मेरी सांस चल रही है तो दो में से एक ही बचेंगे। लेकिन वो शुरू में पांच छह दफा तो बजाएगा ना, कि आपको कबूल है? वो पहली दफा ही तो बता रही हूँ, अगर मेरी सांस चल रही है तो वो जिंदा नहीं बचेगा, उसकी सांस चल रही है तो मैं हाँ ना, वो जिंदा कैसे नहीं बचेगा? उसने आपको पकड़ पकड़े, दो बंदों ने पकड़ा, चार बंदों ने आपको पकड़ा और उसने बजाया रहा है और डेली हाँ, जा रहा है, बोल वही बोल कबूल है? ऐसी 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 चीज आपको कबूल है? सिर्फ किसी एक बंदे को मार के चाहे आप इतनी बड़ी सजा भी ले दुनिया में, कबूल है आपको? चल भी इसका आंसर ले लेते जरा। हाँ ले लो फिर, मुझे एक पॉइंट रखना है इसमें। जी जी, तो क्या आपको कबूल है इतनी बड़ी सजा लेना भाई? ऐसा क्यों होगा? अच्छा मैं एडम एडम इसको ऐसे रखो, ऐसा सिचुएशन रखो, ऐसा सिचुएशन रखो, एक मिनट, अरे दीदी एक मिनट रुको। एडम सिचुएशन ऐसा रखो कि एडम जैसे मुर्तद के लिए या सलमान रुश्दी जैसे मुर्तद के लिए आपको अगर मारना है तो हम इस कंडीशन में अलाउ करेंगे कि आपको जेल में जब डाला जाएगा तो वहां का जो जेलर होगा वो दिन में तीन बार आपकी ठुकाई करेगा, ठीक है, आगे से और पीछे से। क्या आप फिर भी रसूलुल्लाह का बदला लेने के लिए ये कंडीशन एक्सेप्ट करके एडम को, साहिल को, मुन्ना भाई को या सलमान रुश्दी को मारना चाहोगे, पसंद करोगे या इस पे अमल करोगे अभी? ठीक है एडम, हाँ ठीक है, वो रेप है, रेप के लिए कौन? हाँ, वो रेप करेंगे। हाँ हाँ, तो मतलब नहीं मारोगे ना फिर? तो नहीं मारोगे ना? नहीं, तो फिर मार के मैं फांसी लगा लूंगी, फांसी तो नहीं लगा सकती। लेकिन अल्लाह मियां फरमाते हैं कि अगर तुम अपने आप को फांसी दोगी, ठीक है, तो भाई मैं समझ गई, सुनो, अल्लाह मियां कहते हैं अगर तुम फांसी दोगी, सुन लेना, सुन ले, मैं समझ गई, मुझे पता है, वेट वेट वेट, क्या समझ गई पूछ लो एडम, क्या समझ गई पूछ लो, क्या समझ गई, उसके बाद बोलो कि तुम ये नहीं समझा रहे थे। नहीं नहीं, क्या समझी, क्या समझी, फांसी करोगे तो नहीं, नहीं फांसी करोगे तो क्या मतलब है, क्या होगा? अरे गलत है। अच्छा मैं आपको बताने लगा, सुन लो जरा, सुन लो जरा, सुन लो, अल्लाह मियां कहते हैं अगर तुम अपने आप को फांसी लगा दोगी तो अल्लाह मियां तुम्हें जहन्नम में फेंकेगा, लेकिन जहन्नम में अल्लाह क्या करेगा? जहन्नम में अल्लाह तुम्हारी पिछवाड़े वाले सुराख में जंजीर डालेगा। तो बात यह है कि इस दुनिया में पिछवाड़ा फड़वाओगी या आखिरत में फड़वाओगी, ये बताओ क्या क्या मंजूर है? हमेशा हमेशा तक पिछवाड़े में जंजीरें घुसवाओगी अल्लाह मियां के फरिश्तों के थ्रू, या इस दुनिया में 20-30 सालों के लिए फिरवाओगी? तुम्हें बात तो करने की तमीज है नहीं, लिखा हुआ है, दिखाऊं दिखाऊं, मतलब लिटरली तुम्हें बात करने की तमीज, लिटरली? अरे दीदी, अरे दीदी लिखा हुआ है ना, अरे हमको बात करने की तमीज नहीं, बराबर है दीदी, लेकिन आपने स्टार्टिंग में आगे कैसी बात की? आप यही बात स्टार्टिंग से अच्छे से करते तो हम भी अच्छे से बात करते दीदी आप। अरे लेकिन, अरे लेकिन मुन्ना भाई, लेकिन मुन्ना भाई ये जो बात बता रहा है एडम वो लिखा हुआ है ना, एडम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, लिखा हुआ है, बराबर है, माना मैं, मालूम है मेरे को। सलमान इस्लाम इस्लाम छोड़ने के लिए तो किसी ने लिखा था, इसलिए मारा, बट वो ये काम कर रहे हैं, डोंट वरी। ये देखिए कि आपकी, अरे तुम चुप रहो, ये जंजीरें इसके जिस्म में पिरो दी जाएंगी, पाखाने के रास्ते से डाल दी जाएंगी और मुंह से निकाल ली जाएंगी और इस तरह आग में भुना जाएगा, जैसे सीख कबाब में, सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। अब मुझे ये बताइए कि इस दुनिया में आपने ये वाली सजा लेनी है या आखरत में लेनी है? अल्लाह मियां की सजा है ये, मेरी नहीं है। हाँ दीदी जवाब तो दो दीदी। हाँ मैं नहीं, मैं
क्या हुआ दीदी, खुदकुशी करवाएंगी या हड़बड़ा गई है? दीदी दीदी हड़बड़ा गई है, मैं खुदकुशी नहीं करूंगी। नहीं करेगी? अच्छा, फिर जेलर, जेलर के साथ? नहीं, मैं वो भी नहीं करूंगी। तो फिर आपको फिर मारने का प्लान फिर कैंसिल करना पड़ेगा दीदी। आप पक्की मोमिना नहीं है क्या? मोमिना बनेगी तू दीदी? क्या पक्की मोमिना बनेगी दीदी तू? अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, सलमान रश्दी ने जो भी लिखा तो आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं आदमी को, इस्लाम के खिलाफ बोला तो आदमी को मारना जरूरी है क्या? नहीं तो फिर इस्लाम की हालत वैसे ही हो जाएगी जैसे ईसाई और हिंदू। अच्छा तो एक मिनट अभी दीदी, अच्छा दीदी दीदी एक मिनट, और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कहा आज कौन इज्जत करता है उनकी? कोई भी नहीं करता, कोई नहीं ना उनसे डरता है। आज तुम जीसस क्राइस्ट को गे लिख सकते हो, कृष्णा को गे लिख सकते हो और बीच रास्ते में घूम सकते हो। अरे हाँ ठीक, आप दीदी 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 एक काम करो दीदी, एक काम करो, आप ये जो बोल रहे हो, एक मिनट आदम भाई, आप जो ये बोल रहे हो ना, ये कैमरा ऑन करके आप बोल के बताओ, आप कैमरा ऑन करके बात बोल के बताओ। मुन्ना से मुन्ना, वेट यार मुन्ना वेट, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात की है, कितनी इंपॉर्टेंट बात की है कि आप अपनी शर्ट के ऊपर जीसस क्राइस्ट इज गे लिख के चल सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा। अच्छी बात है ना ये तो। एग्जैक्टली, आप रामा इज गे लिख के चल सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा, लेकिन आप मोहम्मद इज गे लिख के चलोगे आपको कत्ल कर दिया जाएगा। दूर फिट है इस कट्टरता के ऊपर। हमारे नबी की नाम क्या? अरे दीदी हड़बड़ा जाती है बीच बीच में यार। हमारे नबी का नाम आप इज्जत से ले। मैं वही अच्छा तो हजरत अल्लामा, हजरत अल्लामा शेकुल रसूल, शेकुल नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे दीदी कम से कम आप नहीं, नहीं अच्छा हजरत हजरत लगाएंगे, कम से कम आप हजरत तो लगा के बात कर सकते हो ना। अच्छा ठीक है, इंपॉर्टेंट बात की है यहाँ पे, मुझे बाबर ये अच्छी लगी है। देखें इसका मतलब है कि ये वाली कट्टरता और कत्लो कताल और मारना, मैं आपको बताता हूँ, दूसरे रिलीजन में नहीं है, नहीं है। आप यूरोप जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहां पे भी आप जीसस इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं, राम इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं, कोई कत्ल नहीं करेगा, ना क्रिश्चियन कत्ल करेगा ना हिंदू कत्ल करेगा। लेकिन वहां पे अगर आप मोहम्मद इज गे लिख के जाओगे तो आप मुस्लिम कंट्री में भी मार देंगे। कितनी जलालत है, कितनी खबासत है। थैंक यू, इंशाल्लाह कत्ल करेंगे। फखर की बात है, फखर की बात है ना, माशाल्लाह। अच्छा दीदी चलो ये डिस्कशन तो हो गया इनके लिए कट्टरता, और इसलिए नहीं क्योंकि मतलब कोई और बात के लिए, बस इसलिए कि हमारे लिए मतलब हमारे नबी की इज्जत और हमारा नबी की, हमारे प्यारे नबी के प्रति हमारा जो प्यार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैं एक चीज, लेकिन साहिल भाई एक सेकंड, आप अपने जीसस की इज्जत, अगर मैं आपको यही चीज, अगर आप यीशु की इज्जत करते, अगर मैं आपको यही चीज इस्लामिक स्क्रिप्चर से दिखा दूं कि मोहम्मद इस गए तो क्या करेंगे? तुम हो गए गे, तुम्हारा पूरा खानदान। नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं इस्लामिक स्क्रिप्चर से साबित कर दूं कि आपके मुसलमान ऑथर्स ने ये बात लिखी हुई है कि मोहम्मद साहब के पास कोई शख्स आया और उसने मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस गया और मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस के उसने बोला कि मोहम्मद साहब कहाँ तक इजाजत है, तो मोहम्मद ने कहा पानी आने तक की इजाजत है और नमकीन पानी आने तक की इजाजत है, तो उसके शर्ट में नलका तो नहीं ना लगा हुआ था, वो बंदे के अंदर से ही निकल रहा था ना, वो यहूदियों की साजिश थी और उन्होंने लिखा है, मुसलमानों ने लिखा हुआ है, उन्होंने मिला दिया होगा, यहूदी ऐसे होते। अरे दीदी मुसलमानों ने लिखा हुआ, मोहम्मद के बारे में यहूदियों को क्या बताओ, यहूदियों किताबें तो खत्म हो गई थी पहली सेंचुरी से पहले पहले, उसके बाद तो मुसलमानों ने किताबें लिखी है। वो चाहते थे इस्लाम को कमजोर करना, इसलिए उन्होंने लिख दिया होगा। अरे दीदी मुसलमानों ने लिखा हुआ है, यहूदियों को तो अरबी भी नहीं आती थी, तो सीख लिया होगा, यहूदियों के लिए कौन सी बड़ी बात है वो तो। अरे दीदी इस्लामी किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा फिर मतलब आप मानती है कि यहूदी जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं? हाँ है ना, मानती है ना यहूदी इंटेलिजेंट, शैतानी वाली होती है। अच्छा अच्छी वाली इंटेलिजेंस कौन सी होती है दीदी? वो घर घर जैसे कि वो जैद पटेल साहब ने बताया था, घर घर के जो काम है, तुम्हारे घर में क्या होता है और कैसे रहते हैं, ये मालूम रहना इंटेलिजेंस है आपके नजदीक? नहीं
बिल्कुल है, अपना घर संभालना। अरे दीदी आप पढ़ाई क्यों करते हो, आप पढ़ाई मत करो, आप पूरा नहीं पढ़ो दीदी, पढ़ाई मत करो आप पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं भाई, पैसे वेस्ट हो गए पढ़ाई करके। सरकार के पैसे वेस्ट हो गए क्योंकि सरकारी कॉलेज में पढ़ी हूँ, समझ में आई बात। और इतना आसान नहीं होता कि अच्छा साहिल भाई वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना। अच्छा साहिल भाई ये इनको दिखाएं जरा, दीदी को ये दिखाएं, बड़ा जरूरी है दीदी को ये दिखाना, ये दीदी को दिखाना बड़ा जरूरी है। दीदी ये सुने, अरे दीदी गलती में अपना यूनिवर्सिटी का नाम शाम बता दी, दीदी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अरे दीदी ना करें, मर जाएंगी मारी जाएंगी। ये देखें, ये देखें सच वाला जी, ये जो भाई कह रहे थे ना कि नंगे क्यों होते हैं, आमिर भाई ये जो कहते हैं नंगे होते हैं हम लोगों को करने के लिए, ये देखें नबी पाक अपने जमाने में भी ये सब कुछ करते थे। यार स्क्रीन दिखाइए मेरी, एक और हदीस ला रहा हूं मैं, ये सर सच वाला जी, ये जरा पढ़िएगा आप, आएगा कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो यार, जो है सर ये देखे मोहम्मद साहब की कमीज के अंदर कोई घुस के पीछे से कुछ कर रहा है पढ़े तो सही भाई, कुछ भी कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ, मैं पढ़िए तो सही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखल बैनहु व बैन कमीसिही फजअल युकब्बिलु व यल्तज़िमु फक़ाल या नबी अल्लाह, वो उनके नबून के जो है कमीस के उसके उनके शर्ट के अंदर घुस गए, घुस के चुम्मी भी की। हाँ सुनो, आगे 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 सर, आगे बढ़े आगे बढ़े सर, आगे बढ़े आगे बढ़े, बताने वाले हैं। ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي تک چلو, پانی کے نکلنے تک چلو, قمیض کے اندر گھس گئے اور اسے پوچھا کیا نبی پرمیشن ہے کہاں تک جا سکتے ہیں, نبی نے کہا جہاں تک پانی, پانی کون سے مار رجال کی بات ہو رہی ہے نا, مار رجال کی بات ہو رہی ہے, لا يحل منعه قال الماء یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو مجھے حلال ہے نا, तो अब वो कह रहे हैं कि ये यहाँ तक, अच्छा कहाँ तक हलाल है, तो उन्होंने कहा पानी आने तक हलाल। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? अब आपको पता है कि पानी जो है ना माँ आपको नजर आएगा कुरान में। अच्छा, और आगे क्या आ रहा है कि और आगे और मजे की बात है, قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل, अच्छा उसके बाद पानी अगर नहीं आया उसके और आगे तक मैं कहाँ तक जाऊँ, لا يحل منعه قال الملح یعنی وہ جو نمکین نمکینی ہوتی نا تب تک تم کرتے رہنا ہے, تب تک کرتے آپ لوگوں کو کرتے رہنا ہے۔ ارے میرے بھائی یہ ارے یار جو ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں یار جو ہے یہ یہ مطلب ایک ہوتا ہے مٹھاس ایک ہوتا ہے نمکینی, نمکین آنے تک کرتے رہنا یعنی اس کو چکھنا ہے, دیکھنا ہے کہ نمکین آیا نہیں آیا تب تک کرتے رہنا ہے۔ सीमन की बात है, लिखा हुआ आपकी हदीसों में लिखा हुआ सर। और ये जो है अल मक्तबा अशामिला अल हदीसा है, क्या तर्जमा है, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन वही तो कह रहे हैं ना अल मक्तबा। जी 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 काफी है, मैंने पूरी वीडियो भेज दी है लाइव चैट के अंदर, ये मैं आपके लिए प्राइवेट चैट में भी डाल देता हूँ, आप इसको कम्प्लीटली देख लीजिएगा। ये सचवाला जी के चैनल पे कीजिए, मैंने अपने चैनल पे इसका छोटा सा पोर्शन डाला है, और ये हदीस एक नहीं है, इस तरह की 8 हदीसें हैं जिसमें ये लिखा हुआ है, ये मक्तबा शामिला है और भी मल्टीपल हदीसों में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कहाँ कहाँ से बचेंगी। ये सीमन के बारे में बात कर रहा था कुत्ता, तो नमकीन पानी नलके में से निकलेगा। अरे कुत्ता नहीं बात कर रहा था दीदी, किताबों में ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है दीदी, आप कुत्ता बना दिए उन सबको। नहीं वगैरह दीदी नहीं मैं जो बोल रहे थे उनको बोल रहे हो क्या वो तो पढ़ रहे जो लिखा है वो तो पढ़ रहे अरे पढ़ के बताया उन्होंने, उन्हें थोड़ी ना लिखा है। हाँ दीदी क्या किया जाए, ये सब जो लिखा हुआ है इसका मैं पूछूंगी। अच्छा अच्छा मम्मी से बात करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ दीदी, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि आप ये बात पसंद नहीं करेंगी कि जेल में या किधर और कोई और मर्द आपको यानी आपके साथ जो है वो। देखो तो ये बात ना बहुत गलत है कि बार बार आप मतलब आप मेरे को मारने के बारे में बोल सकते हो, बट ये
नहीं, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जेल में मुझे जान से मार दे वो ज्यादा। अरे रुक, अरे अरे तुम बोलो तो चमत्कार, हम बोलो तो बलात्कार। एक मिनट एक मिनट, हाँ नहीं मैं तो आपको, मैंने आपको, आप मुझे कह सकते हो कि आप मुझे जान से मार दे, ठीक है। अरे दीदी पहले पूरा आपका रेप करेंगे दीदी। नहीं, अरे नहीं कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, हम कभी नहीं चाहते कि नहीं आप में तो अरे सुनो मेरी बात, अरे दीदी हम इंसानियत, हम इंसानियत को लेके चलते, इंसानियत को लेके चलते, धर्म से आगे हम इंसानियत को गिनते, हम मारने मारने की बात नहीं करते दीदी। अच्छा सुन एक मिनट रुको, अरे मेरी मेरी बात खत्म नहीं हो, अरे दीदी सुनो यार, मारने की बात करना, अच्छा बीच में कोई नहीं बोले अभी, प्लीज बीच में कोई नहीं बोले। देखो दीदी, लड़कियां कहती मारने के लिए तो तुरंत रेप की धमकी दे देते हैं। अच्छा सुनो, मैं मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरी प्यारी दीदी सुनो, देखो हम कभी नहीं चाहते कि किसी का भी रेप हो, कोई भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, ना आपके साथ ना किसी और के साथ, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ये बात मैंने क्लियर कर दी सबसे पहली बात। मैं आपसे आप कहना, अरे सुनो तो सही ना दीदी, मेरे को मेरा पॉइंट तो रखने दो। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, आप खुद इस चीज को पसंद नहीं करती कि कोई दूसरा इंसान जो है वो आपका फायदा उठा के, यानी आपको प्रॉपर्टी बना के आपके साथ वो सेक्स करे, ठीक है। आप ये खुद पसंद नहीं करी, आप मरना पसंद कर रही है। आप मुझे बताइए, रसूलुल्लाह ने जो के बेस्ट रोल मॉडल है, और सहाबा ने, ठीक है, जो उनके कंपेनियंस है, इन्होंने दूसरों की औरतों को, बच्चों को, यानी वहाँ की जो औरतें थी उनको गुलाम बनाकर, बांदी बनाकर, लौंडी बनाकर उनके साथ सेक्स भी किया और उनको बेचा भी। आप सोचो कि उन औरतों के उन उन वहाँ मैं से जानती हूँ, वहाँ मैं रहती है क्या नहीं है, तो मैं मर जाती। आप मर जाती ना, मतलब आपके हिसाब से ये कितना घटिया काम है ना, तो ये घटिया काम जो है वो बेस्ट रोल मॉडल। लड़ने आई थी, अगर नहीं ये दीदी जी, अभी आप लड़ने ही तो आ रही थी, हमें जाना पसंद, आप हमें मारने के लिए आई थी, लड़ने ही आ रही थी। हाँ अगर मैं तुमसे लड़ने जाती और मैं पकड़ा जाती तो मैं मरना ज्यादा पसंद करती। तो वही तो हम कह रहे हैं ना, वही तो हम कह रहे हैं ना, अरे जेबा दीदी वही हम कह रहे हैं ना कि किसी औरत के साथ कोई इस तरीके से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आप जिसको बेस्ट रोल मॉडल मान रही है, और जो साहब यानी जो उनके बाद जो सबसे अच्छे लोग हैं, बेस्ट जनरेशन, वो इस तरीके की हरकत कर रहे थे, वो जंग में, अच्छा जंग में लड़ने के, देखो दो चीज है, एक तो ये कि वो जंग में लड़ने के लिए आ रही थी, एक तो ये कि ये खुद भी जाके जंग करके उनको उठा के लेके आ रहे थे जीत के। तो आप ये देखोगे कि ये खुद जाके भी अटैक कर रहे थे, ठीक है, और पकड़ के लेके आ रहे थे। कई हदीसें मिल जाएगी कि ये अटैक करने गए और वहां से उठा के लेके आए औरतों को, उसके बाद जो है उनको बांटा भी आपस में। तो आप ऐसे को रोल मॉडल कैसे मान, अच्छा आप उस जमाने में होती तो क्या ये आपके साथ ये सुलूक पसंद करती? तो फिर आप ऐसे इंसान को रोल मॉडल, अरे तो दीदी नहीं, कोई औरत पसंद नहीं करेगी, कोई औरत पसंद नहीं करेगी कि जिसके शौहर को, बाप को, माँ को मार दिया गया हो वो उसको पकड़ के लेके जाए और उसके बाद उसके साथ सेक्स करे। कोई औरत नहीं पसंद करेगी, कोई फीमेल नहीं करेगी। आजकल के जमाने में लड़कियां पैसों के लिए शादी नहीं करती, बुड्ढे से करती है। नहीं नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, इधर सवाल ये है कि आप किसी, इसको शादी से आप कंपेयर नहीं कर सकती हो। यहाँ पे ये लोग जाके जंग करके पकड़ कर ला के आपस में बांट के उसके साथ सेक्स भी कर रहे हैं, उसके बाद जो है उसको बेच भी सकते हैं। तो आप ऐसे इंसान को जो इस तरीके के क्राइटेरिया बनाए और इस तरीके की हरकत करे, आप उसको रसूल, नबी और बेस्ट रोल मॉडल कैसे मान सकती है दीदी, जबकि आपकी सोच इतनी अच्छी है? ईमानदारी से बताइएगा, एकदम ईमानदारी से, जेन्युइनली बताइएगा, क्या आप ऐसे शख्स को पसंद करेगी जो ऐसी हरकत करे? तो फिर रसूलुल्लाह के अमल को आप गलत क्यों नहीं समझती है? क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। एक मिनट दीजिएगा, इसका मतलब है कि इंडिया में जब मुसलमानों ने कत्लेआम किया और यहाँ पे अटैक किए
और इंडियन हिंदू औरतों ने जो इतने जौहर किए, इज्तमाई जौहर किए, वो बिल्कुल ठीक किए, क्योंकि वो आपकी तरह अपनी हुरमत चाहती थी। उन्होंने आग में छलांग मार के अपने आप को जौहर कर दिया ताकि एक सेकंड, उन्होंने इज्तमाई जौहर करके अपने आप को आग में जला दिया कि जो मुसलमान आ रहे हैं ये हमें गलीमत के माल बना के हमें दिन रात सेक्स करेंगे हमसे। तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। तो आप तो हिंदू हो गई बेसिकली भाई। तो वो मुसलमान औरतों के साथ भी तो यही किया जाता था। नहीं, वो गैर मुस्लिम औरतों से किया जाता था जिनके इलाकों पे अटैक करते थे। इजिप्ट में जब अटैक हुआ था तो आपने गैर मुस्लिमों के साथ किया था। हर जगह अटैक हुआ था गैर मुस्लिमों के साथ किया था। और अगरचे वो गैर मुस्लिम औरत को आप लेके आए हैं, वो आपकी मलकल यमीन बन गई है, अब वो मुसलमान हो भी गई है तो भी आप उसे डिंग डोंग कर रहे हैं। तो ये मसला है। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट और एक ऐड कर दूं। एडम, आपने जो बोला कि ठीक है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर हम मान लें कि मुसलमान औरतों के साथ भी हो रहा था, तो अगर कोई मुसलमान औरतों के साथ गलत करे तो क्या यानी दूसरों की औरतों के साथ गलत करना ये सही हो जाएगा? ये किस तरीके का आर्गुमेंट है आप लोगों का? किस तरीके की बातें दीदी, किस गटर में, किस गंदगी में, किस गंदी सोच में आप ये इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कर रही है ना उसको ले आए, जिससे आप बात कर रही हैं वो आपको आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रही हैं, उस दीदी को ले आए हमारे पास, शायद वो आपसे ज्यादा डिफेंड कर सके। वो छोटी है। अच्छा, आप चले जाना, छोटी बड़ी ले रही हैं। अरे अरे, लेकिन लेकिन इस्लाम के हिसाब से, अरे अरे जेबा दीदी छोटी है मतलब एक दो साल ही छोटी होगी ना, और पढ़ी लिखी भी है ऐसा जिसको लग रहा है। अरे लेकिन एक दो साल ही छोटी होगी ना, एक दो साल ही छोटी होगी। अभी आपके मौलाना कह के गए कि 10 साल की बच्ची जो है वो अडल्ट रहती है, तो 22 साल में तो वो आधी बूढ़ी हो गई होगी मौलाना के मुताबिक। तो ये बताइए जेबा दीदी कि आप किस गंदगी में फंसी हुई है यार, इतनी गंदी गंदे काम करने वाले लोगों को आप अपना रसूल, और ऐसा रसूल जिसके लिए आप हमको मारने की धमकियां दे रही है, मरने मारने के लिए रेडी हो जा रही है, क्या है दीदी ये? क्यों निकल जाओ यार इस गंदगी से। हाँ दीदी, अगर तुम इस्लाम में नहीं हो तो तुम्हारे मॉरल वैल्यूज कहाँ से आते हैं? अरे मेरे को बताओ, ये मॉरल वैल्यूज है क्या इस तरीके से करना जिसको तुम खुद गलत समझ रहे हो? मेरा भाड़ में जाए यार, मेरे लिए मॉरल वैल्यूज हो सकता है कि बड़ी अजीब अजीब चीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे वो चीज पूछ रहा हूँ जो खुद आप जिसको गलत समझ रही है, गलत समझ रही है, गलत कह रही है, गलत कह रही है और खुद के लिए पसंद भी नहीं कर रही। तो फिर करवाओ ना, पसंद नहीं करती इसका मतलब गलत कह रही हो ना, अगर पसंद ही करती तो गलत है। अगर आपके नबी आज के जमाने में होते तो यही काम करते। आपके नबी अगर इस जमाने में होते तो यही काम करते। प्रॉब्लम ये है कि वो लाइफ टाइम जिंदगी नहीं है ना उनकी, मरमरा गए। हाँ, तो वो जमाने में थे तो वहाँ वो हरकत की, अगर इस जमाने में होते तो यहाँ कर लेते। जमाने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप उस जमाने में अपने लिए ये चीज पसंद करेगी, और क्या ये नबी का उस्वा जो है ये कयामत तक के लोगों के लिए है कि सिर्फ उस पीरियड के लिए था। ये आपको जो है गौर करना पड़ेगा। ये जमाने में, उस जमाने में होता था तो उस जमाने में रेप को आप क्या गलत नहीं समझोगे? 1000 साल पहले रेप होता था तो रेप सही है उस जमाने के लिए? ये कौन सी बात है आपकी? उस जमाने में लोगों को मॉरल वैल्यूज अलग थे, तो मतलब खाना पीना रहना, रोटी कपड़ा मकान, ये बहुत बड़ी जरूरत थी जो उनकी पूरी नहीं हो रही थी। आज तो इस वजह से दूसरे को पकड़ के ला रहे थे भाई, ये जरूरत पूरी नहीं हो रही थी करके दूसरे की औरतों को पकड़ के ला रहे थे, क्योंकि उनकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी नहीं हो रही थी तो ये दूसरों को ला के उनके साथ ठोक बजाई करके फिर उनको मार्केट में बेच भी सकते थे। ये जरूरत पूरी कर रहे थे वो लोग। यार कुछ तो अकल के घोड़े दौड़ाओ दीदी, कुछ तो पढ़ी लिखी है आप यार,
दीदी थम्स अप पिए कभी भाई? इतना मतलब है तो, बट मैं फिर भी मुसलमान ही हूँ ना। नहीं थम्स अप पिए? थम्स अप नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पीती। थम्स अप पिए ताकि दिमाग का नॉलेज है, सोचो। लेकिन थम्स अप पिए दिमाग का ढक्कन खुले, फिर आप इस्लाम से बाहर निकलेंगी। आपके दिमाग का ढक्कन बंद है। दीदी को कार्बोनेटेड ड्रिंक ये वो, दीदी कितना पढ़ी आप? पीएचडी किया है आपने? कितना क्या किया आपने? हाँ बीटेक यार, बीटेक में कितना दिमाग लगता है दीदी, कितना दिमाग चलाना पड़ता है। ये इस्लाम में आके आप लोगों का दिमाग इतना फुसकी हो जाता है। नहीं सोचना बंद कर देते हैं, प्रॉब्लम ये है, सोचना नहीं है, इस्लाम के बारे में सोचते नहीं है। हाँ दीदी भाई, बहुत ज्यादा अकल लगाने से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अरे बहुत ज्यादा मत लगाओ दीदी, थोड़ा तो लगाओ दीदी। बीटेक का पूरा जनाजा निकाल दिया तुमने, बीटेक का जनाजा निकाल दिया दीदी तुमने। हाँ दीदी बात सुने, एक सच्ची सी बात है, आप वाकई में ही लड़की हैं या वाइस चेंजर लगा के आई हुई हैं? क्योंकि एक एक औरत इतनी ऐसी बातें नहीं कर सकती, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे घर में मेरे पापा ने मम्मी ने कभी भी नहीं रोका कि तुम लड़की हो। हमारे घर में मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जितना प्रिविलेज मेरे भाई को है उतना ही हम दोनों बहन को है, उल्टा ज्यादा। फिर इसका मतलब है आप इस्लाम के ऊपर नहीं चल रहे ना, आपके घर वाले वो इंडिया की सेक्युलर मॉरल वैल्यूज के ऊपर चल रहे हैं, वरना इस्लाम ने तो औरत को कोई हक नहीं दिया। अच्छा चले ऐसा करते हैं, आज का चूंकि टॉपिक नहीं है, ऐसा करते हैं आपके साथ एक और टॉक रखेंगे इस्लाम में औरत के हकूक, और उसमें हम किसी और के साथ गपशप नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपके साथ लगाएंगे इस्लाम में औरत के हकूक। फिर आपको पता लगेगा कि आप एक प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर, मेरी गारंटी है इस चीज की। लंबी डिबेट होगी आज के टॉपिक के लिए, लेकिन बेसिकली इंडिया की मॉरल वैल्यूज जो है, इस्लाम में अगर प्रॉपर्टी के अलावा मैं कुछ नहीं होती तो ऐसा होता कि मेरे पापा मुझे पढ़ाते नहीं। यही तो कह रहा हूँ कि आपके पापा जो है इंसान है और इंडिया की मॉरल वैल्यूज के अंदर है, इस्लामिक वैल्यूज के अंदर नहीं है। अगर आपके पापा प्योर सच्चे मुसलमान, आपके पापा एक हिपोक्रेट मुनाफिक किस्म के मुसलमान है लेकिन बहुत अच्छे किस्म के ह्यूमन बीइंग है, मुनाफिक मुसलमान है लेकिन बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, इस वजह से आपको इतनी जुर्रत मिली हुई है, वरना तो आपकी औकात ही कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक। तुम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप को कुछ बोलते साथ दीदी भड़क जाती है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ दीदी को मिर्ची। अच्छा अच्छा दीदी से एक सवाल ये भी करना था, अच्छा हो किसी ने कमेंट में किया। सबसे अच्छे इंसान है, अच्छे मुसलमान नहीं है लेकिन मुनाफिक किस्म के मुसलमान है, इंसान बहुत अच्छे है, मुसलमान मुनाफिक है। हाँ हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, कुरान कहता है कि मुनाफिक भी नमाज पढ़ता है, लेकिन मुनाफिक है आपके पापा, मुसलमान गंदे हैं लेकिन इंसान अच्छे हैं। अच्छा इसमें जो नमाज पाठ करता है पांच टाइम, वो कैसे मुनाफिक हो सकता है? वो ही नहीं तो ये कुरान कहता है, वो हमेशा कुरान कहते हैं, ये बात कुरान कहते हैं, हमेशा नबी की बात करते हैं। क्या नबी की बात करते हैं? कि नबी कितने अच्छे थे, प्यारे नबी हमारे, मतलब इंसान अच्छे थे, उन्होंने आपको भी अभी तो और इनके ऊपर एक कचरा फेंकती थी। ये कहाँ है यार? अरे दीदी 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 इससे साबित हो आपके पापा झूठे भी हैं, क्योंकि ये हदीस है ही नहीं। अच्छा और मस्जिद में पापा सुन के आते, ऐसे कैसे नहीं है हदीस? इसका मतलब झूठिया बनाते हैं मस्जिद में, इमाम भी झूठे हैं मस्जिद, और मस्जिद ही तो फैक्ट्री है चूतिया बनाने की। वही से लोग जो है पागलपन सीख के आते हैं और दुनिया को ही बर्बाद करते हैं। मेरे पापा टीचर है, मेरी मम्मी भी टीचर है, ऐसे कैसे? मेरी माँ शिकारी है, मेरे पापा भी शिकारी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? और मेरी मम्मी हमेशा दोपहर को नमाज पढ़ती। अच्छा मेरी माँ बहुत बड़ी शिकारी थी। अच्छा सुने दीदी बात सुने बात सुने बात सुने बात सुने देखिये बात सुने, क्या आपके पापा ने कभी आपको बताया कि मोहम्मद साहब एक चाइल्ड मोलेस्टर थे, एक वुमनाइजर थे, एक रेपिस्ट थे? तुम सुअर, तुम कुत्ते, तुम हरामी।
सवाल कर, उसका तो जवाब दे दे यार। अच्छा 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 दीदी, क्या आपको ये मालूम है? अच्छा दीदी सुनो, आपके प्यारे नबी ने आपके बारे में ये कहा है कि आप कम अकल है, आप मानती हैं इस बात को? बिल्कुल, कहा है? कम अकल कहा है आपके नबी ने आपको, औरतों को कम अकल कहा है आपने? कम अकल होते हुए आपने बीटेक कैसा पूरा कर लिया? ऐसी जनरल कहा है कि आप कम अकल है? उन्होंने कहा क्योंकि आपको माहवारी आती है, खून आता है हर महीने, तो आप कम अकल है क्योंकि आप उस टाइम में नमाज भी नहीं पढ़ सकती, रोजा भी नहीं रख सकती, आपका दीन धर्म भी आधा है, और आपकी चूंकि गवाही दो मर्दों के बराबर है, लिहाजा मेंटली भी आप डेफिशिएंट हैं, तो लिहाजा आप कम अकल है और दीन में भी। अच्छा, ये गवाही वाली बात है ना, मैंने पूछा गवाही वाली बात में, हदीस है पूरी। कम अकल, सुनो मेरी बात, सुनो गवाही आदि है करके कम अकल नहीं बोला गया है, आप कम अकल है इस वजह से आपकी गवाही आदि ली जाती है, ये बात को समझो, डिफरेंस समझो। तो कम अकल किस हिसाब से, लाइक नॉलेज के हिसाब से? चले आप कैसा करता हूं, हर तरीके से हदीस पूरी पढ़ा देता हूं, आपको हदीस पूरी पढ़ा देता हूं, मतलब मैथ में कम अकल या साइंस में कम अकल, हर चीज में कम अकल, हर चीज में जनरल आपकी अकल ही कम है, डिफिशिएंट इन नॉलेज, ना कि से अकल है आप। इतनी सारी लड़कियां नीट में भी टॉप लड़की ने किया, मोहम्मद झूठा। तो फिर आपके रसूल, तो फिर आपके रसूल की बात जो है वो तो गलत साबित हो गई। तो आप खुद भी एक बीटेक है, हो सकता है ना एवरेज पूरी दुनिया के वुमेन को लिया हो और एवरेज नहीं और फिर उसको नहीं वो थोड़ा कमाया हो। नहीं, कोई एवरेज, पहली बात तो रसूल ने कोई ऐसा एवरेज नहीं लिया है, एक चीज वो। दूसरी चीज, कोई आपको स्टडी, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि अच्छा, दुनिया तो, भर में सुनो, ओवरऑल तो औरतें जो है, अम्मा आयशा की भी क्या अकल आधी थी तभी उन्होंने इतनी सारी हदीस लिखी है। हाँ जी, इसीलिए तो देखिए मैं बताता हूँ, अम्मा आयशा की भी अकल आधी थी रसूलुल्लाह के साथ। अरे हर महिला की अकल आधी नहीं बोला होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक महिला की अकल, हाँ जी। अच्छा, तो एक नहीं, जेनेरिक, एक एवरेज, सुनिए सुनिए एक बार सुनिए, सुनो तुम जेनेरिक स्टेटमेंट है, जैसे तुम्हारे तुम तो एक दिन पकड़ाओगे यार। ये दीदी थोड़े थोड़े देर में तुझे धमकिया देती है यार, आइटम यार स्क्रीन दिखाओ यार, हदीस पढ़ते हैं, मजा आएगा। नहीं, असल में दीदी को मानना ही नहीं है कि वो कम अकल है, वो दूसरी औरतों को कम अकल मान रही है, लेकिन खुद को कम अकल नहीं मानना है दीदी को। दीदी जेनेरिक है, जेनेरिक स्टेटमेंट है, ये देखें, मोहम्मद साहब कह रहे हैं, आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड रिलीजन देन वुमेन, यू वुमेन. A cautious, sensible man to be led astray by some of you. By some of you, ओए सुन ले, by some of you, तुम लोगों के कुछ लोगों से एक cautious, sensible man भी घबरा हो जाएगा. The woman asked, उन्होंने पूछा, oh Allah Messenger, what is the deficiency in our religion, intelligence? हमारी deficiency क्या है अकल के अंदर? And religion. तो मोहम्मद ने कहा, it is not evidence that two women equal to the witness of one man. क्या कुछ औरतों के लिए है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, या सब औरतों के लिए है? Obviously, सब औरतों के लिए है. They replied, yes. He said, this is the deficiency in her intelligence. ये औरतों की deficiency है intelligence में. Isn't it true, a woman can neither pray nor fast during menses? जब महावारी आती है तो औरतें ना तो नमाज पढ़ सकती है, ना रोजा रख सकती है. The woman replied in affirmative, yes. He said, this is a deficiency in religion. तो आप तो दीन में भी और दुनिया में भी दोनों में deficient हैं. Bye bye. हाँ दीदी. ये कहाँ की हदीस है? सही बुखारी, हदीस नंबर 304. सब बता दिया. ये कहाँ लिखा है? ये तो लिखा है सही बुखारी, हदीस 304. कोई तो कारण होगा जो उन्होंने कहा होगा. अरे यही तो प्रॉब्लम है ना दीदी, आप कम अकल है, बीटेक कैसा पास कर ली आपने, और जो जो नीट में टॉप कर रही है लड़कियां, वो सब कैसे कैसे कर ली है दीदी, इसीलिए बोल रहे. देखो
हर जगह पे हमने बताया कि रसूलुल्लाह किधर भी एक रोल मॉडल के तरीके पे फिट हो ही नहीं पा रहे। बांधी बच्ची से शादी की, वो भी बुढ़ापे की उम्र में, 55 साल में बच्ची से शादी की, उसके साथ बच्ची सेक्स नहीं थी किया। वो बच्ची नहीं थी भाई, हाँ 2 साल की बड़ी क्या? थी। आप बच्ची हैं, बड़ी हैं आप उस हिसाब से, तो आप बूढ़ी हो गई है। एक मिनट, अगर 9 साल की बच्ची बच्ची नहीं है, बड़ी है, तो इस हिसाब से आप 24 साल की है, तो आप तो फिर बूढ़ी हो चुकी है अभी। बूढ़ी भाई, हाँ भाई, 24 साल में कोई बड़ा होता है? 9 साल में कोई बड़ा होता है? 9 साल में कोई बड़ा होता है, अडल्ट होता है 9 साल में? भाई वो हो गई होंगी, देखो उन्होंने 3 साल वेट तो किया ना। या अल्लाह, कहाँ से लाते हो दीदी कितना? वो तेरे पीछे जो दीवार है उसमें सर मार दे यार, अब जाके बहुत पीछे है यार, साइड वाले पे मारता हूँ। इधर ये जो इंटेलिजेंस का, ये अरे वो छोड़ो उनका बात, वो मर गए। मेरा एक बात बताओ, ये जो इंटेलिजेंस कौन मर गया? अरे अम्मा आयशा की डेथ हो गई ना। हाँ तो क्या हुआ उनके क्या? साथ तो नाइंसाफी हुई ना। जस्टिस फॉर आयशा एवरीवन, जस्टिस फॉर आयशा, हैशटैग जस्टिस फॉर आयशा। अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, ये बताओ ये डेफिशिएंसी इन हर इंटेलिजेंस ये किस हिसाब से लिखा हुआ है? क्योंकि यही तो आपको सोचना है कि रसूलुल्लाह ने क्यों कहा ऐसा, आपको सोचना है रसूलुल्लाह ने क्यों इतनी बड़ी बात कह दी। देखिए ये हिट हुआ ये पॉइंट दीदी को, असल में जब से इतनी सारी बात हिट नहीं हो रही थी, ये पॉइंट हिट हुआ है दीदी को कि रसूलुल्लाह ने औरतों को कम अकल कहा है और दीदी भी उसमें शामिल है। अब दीदी के ईगो को हर्ट हुआ है भाई, ईगो नहीं हो रहा है मेरा। ईगो नहीं, ईगो नहीं, नहीं। अल्लाह कहता है जिसके पास ईगो है वो जहन्नम में सड़ेगा। नहीं ईगो नहीं कहना साहिल, ईगो नहीं कहना। अच्छा लेकिन ईगो हर्ट हुआ है दीदी का, ईगो हर्ट हुआ है। लेकिन अगर आप या तो ये दीदी को मानना पड़ेगा। दीदी ये आपके, अरे रे रे रे, किससे बात कर रही है? दीदी का बुलावा आ रहा है। पापा से पूछेंगी, पापा से पूछेंगी, वो कह रही है। अच्छा पापा से पूछोगे दीदी आप कम अकल रसूलुल्लाह? देखो मैं अभी समराइज करता हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरे को मौका देंगे कि आप जिसको रोल मॉडल मान रही है, कई सारी खामियां हैं। बच्ची के साथ शादी की, ठीक है, बच्ची के साथ सेक्स किया, वो सब पास में हो गया मेरा, मुझे अरे तो पास में। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी लाइफ में पर्सनल है, उसका इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, होता है ना, हमारे पाकिस्तान में इफेक्ट हो रहा है, रोज 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 किसी ना किसी छोटी बच्ची की शादी कर रहे हैं। मेरी कला से पाकिस्तान गर्त में, वो मोहम्मद की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं ना। नहीं नहीं लेकिन अरे दीदी देखो 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 दीदी, आपकी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि ये जो काम रसूलुल्लाह ने किया था, ये सही किया था या गलत किया था, जबकि उनको रोल मॉडल समझा जा रहा है। सवाल ये चीज का है, एक बच्ची के साथ उन्होंने शादी की, इनको यही कह रहा हूं एडम, इनको यहाँ पे हिट हुआ है पॉइंट कि रसूलुल्लाह ने इनको आधी अकल वाली कैसे कह दिया, यही हिट हो रहा है। देखो बाकी सब चीज दीदी कह रही है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि रसूलुल्लाह ने जेबा दीदी को कम अकल कैसे कह दिया। तो अब तो आप ही सोचो, गेम खराब हो गई पूरी। अच्छा और क्या लड़कियों के अधिकार है? कोई भी नहीं, मैंगो बाबा जी का ठुल्लू। अच्छा मैं बता देता हूँ, और एक एक चीज बता देता हूँ, रसूलुल्लाह कहते हैं दीदी, अच्छा कुरान पता क्या कहता है आपके 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 बारे में? कुरान पता क्या कहता है आपको? एक अधिकार दिखाता हूँ आपके बारे में। कुरान कहता है अगर लड़ाई हो दो ग्रुप्स की आपस में, दो मुसलमान ग्रुप्स की आपस में, और एक ग्रुप जो है ना वो दूसरे ग्रुप की कुछ औरतों को मार दे, ठीक है, तो कुरान क्या कहता है कि तुमने उस लोगों को नहीं मारना, तुमने उस ग्रुप के औरतों को मारना है। यानी कि आप घर में बैठी हुई है लेकिन आप मर जाएंगी। मैं गया और मैंने आपके पापा के साथ लड़ाई की, ठीक है? मैंने हाँ भाई समझ गई। ओके। लड़ाई होगी तो आपके पापा के साथ, आपके पापा के, नहीं लड़ाई वारफील्ड नहीं है, वारफील्ड की बात नहीं कर रहा, आम लड़ाई, घरेलू लड़ाई, मल्लेदारी की लड़ाई, ठीक है? अच्छा। मैंने आपके पापा के साथ लड़ाई की, आपके पापा के साथ दो औरतें भी शामिल थी,
और मेरे साथ दो औरतें भी शामिल थी जो आपके पापा के साथ लड़ाई करने आई थी। अब लेट्स से कि आपके पापा ने मेरी साइड की एक औरत को कत्ल कर दिया लड़ाई के अंदर। अब मैंने आपके साथ लड़ाई की लीगल रेट्रीब्यूशन लेनी है, लीगल रेट्रीब्यूशन लेनी है। मैं आपके पापा को नहीं मार सकता, हालांकि मारा आपके पापा ने मेरी, लेट से मेरी कोई बहन थी, मारा आपके पापा ने मेरी बहन को है। मैं आपके पापा को नहीं मार सकता, मेरे पापा पे मत जाओ यार। आपके पापा की किसी बेटी को मारूंगा या उनकी किसी बहन को मारूंगा, ये कुरान कहता है। यार तुम्हें पता नहीं पगुन क्या है, पापा पे मत जा भाई। ये देखे कुरान की आयत है सूरत नंबर 2 की, सूरह बकरा की आयत नंबर 178। ओ यू हू हैव बिलीव, ओ मुसलमानों, प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू इज लीगल रेट्रीब्यूशन फॉर दोज मर्डर्स। तुम्हारे लिए कत्ल का लीगल रेट्रीब्यूशन क्या है? द फ्री फॉर फ्री, द स्लेव फॉर स्लेव, एंड फीमेल फॉर फीमेल। यानी कि अगर मैंने किसी की फीमेल मारी है तो वो मेरी फीमेल मार सकता है, मुझे नहीं, वो मुझे नहीं मार सकता, मेरी फीमेल मारेगा। इसके लिए आप असबाबुल नज़ूल में जा सकती हैं, तिबरी की तफसीर में जा सकती हैं, कुर्तबी के अंदर जा सकती हैं, और आप वेरीफाई कर सकती हैं। मारा मैंने है, मुझे नहीं मारोगे आप, मेरी फीमेल को मारोगे क्यों? क्या मतलब क्या? हाँ समझ गई। मारा मैंने आपकी फीमेल को है, लेकिन आप मुझे नहीं मार सकते, मेरी फीमेल को मारेंगे, ये क्या चक्कर है? कातिल मैं, मरेगी मेरी बेटी, फीमेल होने में नुकसान है। और अरे कुरान है ये, तो आज भी जायज है आप पे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, लेकिन आज ये नियम नहीं है ना भाई भारत में। अरे नियम को गोली मारे कुरान, अगर आप अभी लगवाती हैं इंडिया में शरिया तो ये नाफिज होगा कि नहीं भाई? तब तक मैं मर जाऊंगी, ये तो पक्का है। अच्छा, यानी कि आप कहती है कि आपने शरिया में रहना नहीं लेकिन इस्लाम छोड़ना नहीं? हाँ, आप वाकई डेफिशिएंट है इंटेलिजेंस के अंदर, मोहम्मद ने सही कहा था। आपकी इंटेलिजेंस वाकई डेफिशिएंसी में है भाई, मुझे नहीं रहना है। नहीं, ये इसको डेफिशिएंट नहीं बोलते, इसको साहिल, साहिल यार ये देख जरा, कह रही है शरिया नहीं चाहिए, कुरान में मानूंगी नहीं लेकिन मैं रहूंगी मुसलमान, यार क्या चक्कर है यार? अच्छा अच्छा, इन्होंने एडम, लेट्स हिट दी, एक मिनट एक मिनट, अरे क्या बोलोगे आप अपने परिवार, अरे एक मिनट दीदी दीदी एक मिनट रुको, लेट्स एडम, लेट्स हिट दी, सीरियसली आई डोंट थिंक शी हैज डन बीटेक, सो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है। चले जी, जिसमें भी किया आपने, कोई मसला असल में दीदी को देखो, एडम कॉलेज से किया है, ठीक है, डब्ल्यूबीटी में दीदी को सबसे ज्यादा बात यही चुभी है कि रसूलुल्लाह ने उनको, और ना एक खान को मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा ना इंटेलिजेंस नहीं चाहिए होता है बीटेक करने। दीदी आप भी बहुत बड़ी मुनाफिक हैं, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे को यहाँ पे पिघल गई दीदी, मिले हैं ठीक है दीदी, यहाँ पे दीदी पिघल गई, सीरियसली मुनाफिकत कर रही है मुनाफिकत। तू चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पैर की जूती। अच्छा दीदी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो दीदी, दीदी क्या आप अपना आईब्रो बनाती है? अरे ना कर साहिल, अरे नहीं, इन्होंने कहा हाँ बनाती है, बनाती है ना दीदी? जन्मी जन्मी फुल जन्मी, मैं जॉब करती हूँ भाई, तो बना, तो बनाते हो ना? हाँ हाँ, रसूलुल्लाह आप पे लानत भेज रहे हैं, लानत अल्लाह अलैह जो आईब्रो बनाए, आईब्रो बना दे भाई। उस जमाने में कौन आईब्रो बनाता था जब बताना, मतलब ये सब करते थे, टैटू भी होता था, टैटू भी होता था, आईब्रो भी बनाते थे, ठीक है, बाकायदा रसूल में टैटू का भी जिक्र है और आईब्रो के बाल प्लग करने का भी जिक्र है। मुझे ये बताओ कि आप आईब्रो बनाती है और जिसके लिए आप मरने मारने के लिए रेडी हो गई है, एडम का, मेरा और मुन्ना भाई का सामान आप काटने के लिए रेडी हो गई है, आप सोचो वो रसूल आपको लानती कह रहे हैं, लानत भेज रहे हैं आप पे क्योंकि आप आईब्रो बनाती है। एक तो आपको कम अकल बता दिया रसूलुल्लाह ने, अब जो आईब्रो बनाती है रसूलुल्लाह कह रहे कि आप लानती है,
अच्छा यहीं पे खत्म नहीं होता था। खान को मैं अच्छा, इस एक खान को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं जनरल कैटेगरी हूँ, ठीक है? अरे वो नहीं, वो नहीं, वो पढ़ाई 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 की बात कर रहे हैं वो। हाँ नहीं नहीं मैं समझ गया दीदी। अरे दीदी मैं समझ, अरे समझ गए दीदी, आप इंटेलिजेंट है, आप कोई माइनॉरिटी कोटा में नहीं गए हो, आप जनरल कैटेगरी में गए हो, इसी वजह से आपको ये बात चुभ रही है कि रसूलुल्लाह ने आपको कम अकल कहा है। वो छोड़ दीजिए अभी, एक तो आप कम अकल, मैं अपने, मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है, उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट। लेकिन दीदी आपको मोहम्मद ने कम अकल कहा है ना, और मेरी छोटी बहन डॉक्टर है, वो भी गवर्नमेंट एक बात बोलू क्या मैं? अच्छा, बोलो, दीदी, बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ दीदी, सुनो दीदी मेरी बात सुनो दीदी, मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है क्या? आप है ना एक बार है ना अपने हाथ से कुरान लो और उसको मीनिंग के साथ जो लैंग्वेज आपको बराबर समझ में आती है ना उसमें लेके बराबर से उसको रीड करो, बराबर से एकदम बराबर से मीनिंग के साथ कुरान पढ़ो और अपने आप को जवाब दो क्या सही है क्या गलत है। आप पढ़े लिखे हो ना तो आपको समझ में आना चाहिए, एक बार आप ट्राई तो करके देखो क्या लिखा है उसमें, आपको खुद को मालूम पड़ेगा क्या लिखा है उसके अंदर। ये जो कट्टरता आप बता रहे हो ना दीदी, इससे ही पूरा धर्म खराब, इससे ही इस्लाम खराब हो गया, कट्टरता की वजह से इस्लाम का नाम इतना खराब हो गया। हम ये नहीं बोल रहे आपको इस्लाम मत फॉलो करो, आप फॉलो करो, लेकिन ये गला काटने वाला बात, ये अच्छा नहीं दिखता है बात करने से, आपका इससे आपका क्रेडिट खराब हुआ, इससे आपकी इज्जत खराब होती है, आप ऐसा बात करते हो। ठीक है साहिल भाई आप बात करो। अच्छा कोई लड़की आर्मी में नहीं जाती, इनको होमवर्क दे दे, इनको होमवर्क दे दे, हाँ नहीं इनसे मैं एक लास्ट, अच्छा सुनो दीदी सुनो, मैं लास्ट चीज आपको कह रहा हूँ कि एक तो रसूलुल्लाह ने आपको कम अकल कहा है जिसका आपको बहुत दुख है, इस बारे में आप सोचेंगी कि जो शख्स आपको कम अकल कहे उसको आप रसूल क्यों मानेंगे, एक चीज ये। दूसरी चीज आप आईब्रो बनाती है, अरे मेरी बात तो कम, वायलेंस में प्रॉब्लम है, कंप्लीट तो करने दो दीदी, कंप्लीट तो करने दो। दूसरी चीज के आप आईब्रो बनाती है क्योंकि आप जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, लेकिन रसूलुल्लाह आपके ऊपर लानत भेज रहे। अच्छा दोस्तों यहीं तक खत्म नहीं हुआ मामला, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। क्लाइमेक्स क्या है कि दीदी कल की तारीख को आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है वो किचन में रोटियां बना रही है ओवन में, ठीक है? मैं क्यों बनाऊंगी किचन में रोटियां, मेरे पति के हाथ जल गए हैं क्या? अरे अच्छा, अरे पति से रोटियां बनवाएगी ये? अच्छा सुनो तो सही दीदी, सुनो ना दीदी, ऐसा नहीं होता, मेरे पापा ने आज तक कभी मुझे जूठा उठाने के लिए भी नहीं कहा क्योंकि मुझे नहीं पसंद। अरे अरे बहुत दीदी 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 दीदी, पापा ने कहा, साहिल भाई एक मिनट दीदी, आपके घर में पापा रोटियां बनाते हैं या मामा? दीदी आती है बनाने, नहीं पापा रोटियां बनाती हैं, मामा। साहिल भाई, साहिल भाई आप दो तीन मेन हदीस है ना, जो दो तीन मेन हदीस खाली इनको बता दो जरा यार दीदी, दो तीन मेन हदीस बता दो खाली, एक वो रोटी वाली हदीस, ऊंट पे बैठी हुई औरत को भी नीचे उतरना पड़ता है वो हदीस, समझे, ये आईब्रो वाली हदीस, ये दो तीन हदीस इनको इंग्लिश में बता दो साहिल भाई। लेकिन एक सवाल का जवाब लेने दे, आपके घर में पापा रोटियां बनाते हैं मामा? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर में खाना कोई भी बना लेता है, मतलब दीदी पापा पापा भी बनाते हैं मामा, ये पूछा है सिंपल सवाल, मामा बनाती हैं पापा? सुबह में जनरली पापा ही खाना बनाते हैं। अच्छा दीदी पर्दा लेती, दीदी बुर्का पहनती तो नहीं, पूछो जरा एडम भाई, दीदी बुर्का पहनती है कि नहीं? रोटी इस पे नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं मुन्ना भाई, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, रोटी मामा बनाती है पापा? हम लोग दरभंगा के, मतलब मधुबनी, बिहार में दरभंगा मधुबनी है ना, वहाँ के हम लोग चपात खाते, मतलब चावल खाते, जिसको चले चपाती, चपाती मामा बनाती है, जब भी चपाती बनाती है मामा बनाती है या आपके पापा बनाते हैं, जब भी घर में कभी तो चपाती बनती होगी। अच्छा चावल पकड़ लो ना यार, चावल बनाते पकड़ लो ना, साहिल पहले रोटी, साहिल पहले रोटी, रोटी मामा बनाती है पापा, चाहे महीने में एक दफा बने मामा बनाती है पापा? अरे भाई बाकी छोड़ो, मेरे दादाजी भी बनाते हैं। अरे अभी मैं पूछ रहा हूँ, घर में आपकी मामा रोटी बनाती है, आपके पापा चाहे महीने में एक दफा बने रोटी? हाँ मैं बनाती हूँ, मम्मी भी बनाती है, पापा तो रोटी। अच्छा ये भी बनाती है, ये भी बनाती है, आजम ये भी बनाती है। हाँ सुनो सुनो दीदी अभी सुनो, हाँ मैं बनाती हूँ, बट मेरे घर में अरे आगे का सस्पेंस तो, अरे दीदी आगे का सस्पेंस तो सुनो,
दीदी आगे का सस्पेंस तो सुनो, सस्पेंस क्लाइमेक्स बाकी है बोला ना मैंने, दो जगह तो आपको एक जगह लानत पड़ी और एक जगह पे आपको जो है वो कमाकल का है, तीसरा सस्पेंस सुनो भाई, हम लोग और क्लाइमेक्स है ना, मतलब जिसको भी लगता हो ना कि रोटियां बनाने से, अरे मान लिया दीदी, हम लोग मान लिया दीदी। अच्छा सुनो दीदी, देखो कल की तारीख में जब 8 साल से 7 साल से खाना नहीं बनाया, मेरे दादाजी बनाते, अरे ये भाई ये दौड़ पिक्चर की संजय दत्त है यार, टक्कर वाले दीवार में। अच्छा सुनो दीदी, सुनो तेरे को हाँसी आ गई दीदी को। अच्छा दीदी मेरी बात सुनो, क्लाइमेक्स सुन लो पहले, नहीं तो हमारा क्लाइमेक्स निकल जाएगा। सुनो दीदी, अभी जैसा मान लो कि कल की तारीख में आपकी शादी होती है, जोक मारना है ना तो बता देना। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं जोक नहीं मार रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। कल की तारीख में आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है रोटियां बना रही है, ठीक है, थक वक के रोटियां बना रही है, अगर आप ये रोटी, अरे कभी रोटी अच्छा चावल बना रही है, केक बना, अरे सुनो सुनो सुनो, केक बना रही है, चावल बना रही है, कुछ भी बना रही है, आप किचन में ओवन के पास खड़े होके या चूल्हे के पास खड़े होके, अगर उस हाल में भी आपका शौहर आपको बुलाता है डिंग डोंग करने के लिए, अम्बिस्त्री करने के लिए, आप उसको मना नहीं कर सकती, लेकिन अरे लेकिन अल्लाह लानत, अल्लाह और फरिश्ते लानत भेजेंगे आपके ऊपर, रसूलुल्लाह कह के गए, उसको कॉमन सेंस नहीं है, तो रसूलुल्लाह को नहीं था ना कॉमन सेंस। अच्छा नहीं नहीं ऐसे कैसे, लेकिन रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी के साथ ऐसा ही किया था। रसूलुल्लाह बाहर खड़े थे, रसूलुल्लाह बाहर खड़े थे, उनके पास से एक औरत गुजरी, वो औरत गुजरी रसूलुल्लाह का, खड़ा हो गया रसूलुल्लाह, फौरन अंदर गए, उनकी बीवी चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, उन्होंने बीवी को हाथ से पकड़ा, कमरे में लेके गए, सेक्स वक्स किया, बाहर निकले। अब बताए रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल भी ना करें। नहीं लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं चपेटा मारूंगी, लेकिन रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि आपके ऊपर लानत बरसेगी, आप मना नहीं कर सकती, चाहे आप इस पे ऊंट पे बैठे हो, कोई सवारी पे, आप भी बता दे। साहिल भाई मैं बोल रहा हूँ यार, हदीस बताओ, लंबी बात करके मतलब नहीं, इनको हदीस बता दो यार। दीदी सुने, हदीस है सही मुस्लिम की 1403, जाबिर रिपोर्टेड अल्लाह मैसेंजर सा वुमन And so he came to his wife Zainab. उन्होंने औरत को देखा गली में, उनका बस जज्बात खत्म हो गए। अब Zainab उनकी बीवी के पास आए, as she was tanning a leather, वो चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, and Muhammad had sexual intercourse with her. Muhammad अपनी बीवी के साथ फौरन sexual intercourse किया। He then went back to his companion and told them. वो वापस दोबारा अपने companion के पास गए, मोहम्मद साहब, सही मुस्लिम की हदीस है, और क्या कहा उनको जरा देखिएगा। The woman advanced and retires in the shape of a devil. आप शैतान भी हैं। So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for it will repel the feel of his heart. तो मोहम्मद साहब तो ठरकी थे फुल। साहिल भाई एक सही मुस्लिम में। साहिल भाई एक मिनट, एडम भाई एक मिनट, एक मिनट। इनको ना, इनको ऐसा समझ में नहीं आने वाला है एडम भाई। इनको ऐसा समझ में तुम कितना भी सर पढ़ोगे ना, ऐसा समझ में नहीं आने वाला है। साहिल भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, दीदी सुनो, आप है ना यूट्यूब पे डालो एक कीवर्ड, मैं बोलता हूँ आपको, अगर बीवी जिमा करने को मना करे तो क्या है, इतना खाली यूट्यूब पे डाल के आप सर्च करो, उसके बाद आप बात करने आओ। क्या करने को मना करे तो, जिमा करने को मना करे तो, जमा 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 सेक्स, जिमा मीन्स सेक्स, अगर बीवी सेक्स के लिए ना बोले तो उसका क्या है ना, दो चार मौलाना लोग के बयान सुनो, उनको हदीस का रेफरेंस देके मौलाना लोग आपको बयान में बता देंगे, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा वो चीज। और ये भी सर्च करो, आईब्रो बनाना, आईब्रो बनाना इस्लाम में कैसा है ना, ये भी आप सर्च करके, आप खुद सर्च करो, हम पे भरोसा मत करो, आप खुद सर्च करके देखो एक बार यूट्यूब पे, आपको मालूम पड़ जाएगा, बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी। रियल लाइफ में बिल्कुल कौन मानता है, अरे लेकिन रियल लाइफ में नहीं, इस्लाम, इस्लाम किसको बोलते है दीदी, इस्लाम किसको बोलते है, इस्लाम इसको बोलते है जो कुरान में लिखा गया है उसको फॉलो करने को इस्लाम बोलते है, ऐसे फॉलो करने वाले को इस्लाम नहीं बोलते हैं, जो ऐसा ही इसको मॉडरेट मुसलमान बोलते हैं, समझ रहे हो आप एक बार दीदी आप सुनो तो बात को, दीदी आप बात तो सुनो पहले, आप एक बार चेक तो करो, आप जाके खुद चेक करो ना, हमारे पे भरोसा मत करो, हम लोग मुनाफिक लोग है, आप अपने मौलाना लोग को सुनो, मौलाना क्या बोलते है ना, आप अपने मौलानाओं को सुनो, मौलाना क्या बोलते है, उसके बाद आप बात का जवाब दो। आप बोलते हो ना कि आप थप्पड़ मारोगे
तो ऐसा कहा गया है कुरान में, जिस बीवी ने अपने हस्बैंड को ना बोला करने के लिए ना, उसको फरिश्ते रात भर रानत भेजते हैं, और जब तक उनका हस्बैंड नाराज रहता है तब तक फरिश्ते उनको नाराज लानत भेजते हैं फरिश्ते उनको। आप एक बार चेक तो करो, उसको भी कंसेंट देने की इजाजत है, मुझे भी कंसेंट देने की उतनी इजाजत है भाई, नहीं है ना, नहीं है ना दीदी। अरे आप हमसे दीदी 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 सुनो मेरी बात, आप हमसे बात करने से पहले एक बार चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो। हाँ पर रियल लाइफ में ऐसा, जैसे मैं जिसे शादी करूंगी तो, हाँ तो ये रियल लाइफ की बात नहीं है, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं दीदी, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ में तो ठीक बात है, रियल लाइफ में आप भी मुनाफिक और आपका खावंद भी मुनाफिक इन रियलिटी। नहीं लेकिन अगर आप शादी होगी, जैसे भैया की शादी हुई है तो वो 6 महीने से एक दूसरे को जानते थे, बस मुसलमान होना चाहिए। मेरी मम्मी ने कहा तो वो दोनों मुनाफिक है ना, मुसलमान नहीं है मुनाफिक है। देखो मेरी बात सुनो दीदी, इसको अभी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत देर से आप भी कोशिश कर रही है। लेकिन आप जो दो हदीस बताई है ना, वो जो इंटेलिजेंट डिफिशियंट वाला, वो वाली हदीस, और ये देखे प्राइवेट चैट में डाल रहा हूँ, प्राइवेट चैट में डाल रहा हूँ, ये देखें, ये आखिरी वाली हदीस, कॉपी कर लो लिंक, सेक्स की एंजॉयमेंट वाली, और ये मुनाफिक, ये आईब्रोज वाली, ये आईब्रोज वाली डाल दी, दूसरी वाली आईब्रोज वाली थी, तीसरी मैंने वो डाल दी। आईब्रोज से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे दीदी, मैंने तीनों डाल दी है ना यार, तीनों डाल दिए, तीनों ले लेना, ये ले पकड़, तीनों डाल दिए, हाँ तीनों ले ले। और ये जो मोहम्मद साहब के साथ कोई बंदा आके टिंग डोंग मार रहा था, ये वो भी मैंने लिंक भी डाल दिया, जा सारा कुछ डाल दिया भाई, वो सब से मुझे मतलब नहीं है, बस कोई बात जिससे मतलब है वो ले ले, सब डाल दिए, तो जिससे तेरा अच्छा मतलब ये है वो ले ले। ठीक है दीदी, आप है ना, देखो आप एक अच्छी दीदी है, मेरी बात सुनो दीदी, आप एक अच्छी दीदी है, दुनिया के मामले में इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस के लिए हमेशा के लिए खाएगी, हमेशा लिखो, पढ़ लेना, जाके पढ़ लेना, हदीस डाल दी दीदी को, सबसे भारी हिट एडम वही हुआ है, तुम मानो या ना मानो दीदी का ईगो हर्ट हुआ है 110%। मैं लिख के, मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ दीदी, इस्लाम में, दीदी इस्लाम में औरत की गवाही, औरत की गवाही भी नहीं गिनते, मालूम है आपको भाई, आजकल गवाही कौन लेता है, भाड़ में जाए गवाही। अरे यार तो तुम इस्लाम को मानते ही नहीं हो दीदी, दीदी तुम मॉडरेट मुसलमान हो, तुम इस्लाम को मानते ही नहीं हो, तो आपके मुंह से ये बातें, गला काटने वाली बातें, ये सब बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं दिखती है, आप अच्छे दीदी हो, आपको ये सब बातें नहीं करना चाहिए, जो बात आपने की है ना कि काट डालेंगे मार डालेंगे, ये बात सही बात नहीं है, हम इंसानियत के लिए बात कर रहे हैं, हमको इस्लाम की कट्टरता खत्म करनी है, समझ रहे हो आप, हमको इस्लाम में जो कट्टरता है ना, मारा काटा ये चीज गलत है, आपको सही लगता है ये मारना काटना, आपको सही लगता है कि आपको कट्टरता नहीं रहेगी ना तो इस्लाम नहीं रहेगा, ये मुझे पक्के से पता है। अरे वाह क्या स्टेटमेंट है यार, इस्लाम कट्टरता नहीं रहेगी, इस्लाम नहीं रहेगा, सही भाई यार। लेकिन सुनो मेरी दीदी, आप इस कट्टरता से, इस गंदगी से आप निकलिए, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है लाइफ में, जो कोई भी इसमें पड़ता है आप जैसा कट्टर सोच वाला बन जाता है, एटलीस्ट मारने के लिहाज से, बाकी उसमें तो आप इंटेलिजेंट है और पढ़ी लिखी है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो बातें आपको बताई गई है आप उस पर ध्यान देंगी, कोशिश करेंगी कि खुद के ऊपर ये फिट करके देखो कि आपको कोई यानी कम अकल कहे तो आपको जाहिर सी बात है नहीं अच्छा लगा, तो आप क्यों ऐसे मजहब में, आईब्रो बना रही आप पे लानत है, आप जो है वो खाना बना रही आपका शोर बोलेगा ये महिलाएं आज। साहिल साहिल यार बिफोर शी स्टार्ट्स अगेन, मैं जा रहा हूं यार, सब लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। सॉरी ये दीदी तो कल तक बैठी रहेंगी और बिना वजह हुज्जतें देती रहेंगी, हमें फायदा कोई नहीं, हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट टाइम आपसे गपशप मजीद लगाएंगे, मेरी तरफ से सबको बाय बाय, टाटा जय हिंद और इंडिपेंडेंस डे सबको मुबारक हो, बाय बाय टाटा जय हिंद, धन्यवाद, अरे दीदी।